motherfucker. What is up, everybody? Welcome to the stream. This is Michael Vespucci here. Let's go!
हेलो। हेलो। ओ भाई, आपका गला नहीं फाड़ दिया मेरा कान। अरे पता नहीं, मतलब सबके साथ हो रहा है, बट मेरा उस पे है, समझ रहे हो, हाँ विस्पा छोड़ो, विस्पा। हाँ छोड़ो फिर भी छोड़ो है, छोड़ो। क्या ही करे। क्या नाम है आपका? माना माइकल आपका। अरे माइकल, तुम भूल गए। अभी अभी मुक्का मारेंगे हम, बंटिया बोल गए भाई को। सही है, ओ भाई एक सेकंड रुको। हमारा अरे कुछ काला हो गया था, समझ रहे हो, हमको ना देश से वो हो गया था, मतलब अरे किसी वो तो, हरामी ने वो कर हाँ। दिया था। अरे अरे सॉरी सॉरी, भूल गए भूल गए। अरे कैसे हो? चुम्मा मत दो यार। अरे छी 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 अरे छी कहाँ छी। चुम्मा दे रहे हैं भाई, अरे हक कर रहे हैं। चुम्मा यार, सही है, ऐसा सही है। चुम्मा वो मत दो यार। मास्क में हम तुमको चुम्मा देंगे, सही है। तो मैं भी, पता मतलब नहीं गलत यार, फहमी हो रही है। मास थोड़ा गीला गीला था, मैं थोड़ा डर गया। नहीं, वो थोड़ा वो पानी पी रहा था ना मास्क अच्छा को, थोड़ा सा अच्छा वो करके तो हो गया। ये बताओ, मतलब शहर में क्या हो रहा है अभी? थोड़ा अब भी पैसों की आया मैं बहुत तो, दिक्कत अब हो भी गया यार, सब चला आया। गया। सब चला गया मतलब। हाँ मैं था नहीं ना 2 हफ्ते से, तो गाड़ी का फाइनेंस नहीं भर पाया, गाड़ी चला गया। बाइक का फाइनेंस भरा था, वो भी चला हाँ। गया अरे बाइक। फिर घर का सामान, एक घर का सामान चला गया, दूसरे ये जो नया घर लिया था इधर तुम्हारे इधर, उसमें सामान है, सिर्फ बेचना है अभी। थर्माइट क्या क्या सामान है भाई? चाहिए यार, मैं दिला दूंगा तुमको बैग। मैं भाई 2 दिन में थर्माइट, बहुत सामान थर्माइट दे दूंगा। तो, थर्माइट तो एक हम भी रॉबरी करते करनी हैं, थी यार, हम भी थोड़ा करते एडवेंचर हैं। करना है। चल हम करते हैं। अरे यार तुम बोले थे तुम मुझे देखो चीजें दिलाओगे, वो ब्रिक ब्रिक कहाँ है? देखो कोई दे ही नहीं रहा था हम लोगों में से, अभी देखो देखो मिल जाएगा, पर रुको कर मैं दो तो यार तुम अभी, लोग। मैं अभी अभी शहर में आया ना, तुझे पता नहीं हाँ कौन शहर में है कि कौन शहर में नहीं है। हाँ मुझे एक चीज बताओ, ये बोला कुछ लौंडे ना कुछ पुलिस वाले को मारने की कोशिश कर रहे हैं, कौन? समझ रहे हो, मुझे बार बार ठोके जा रहे हैं। ब्लैक मार्क्स में है, ब्लैक ड्रेस पूरा, एक का कार है ग्रीन कलर, दूसरे का मतलब थोड़ा मुझे मतलब फ्लैश हो गया, समझ रहे हो, एक सेकंड के लिए दिखा सिर्फ, तो उसका कलर नहीं दे पाया, एक ग्रीन में है। वो किसी ग्रीन ऑफिसर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ग्रीन सोचा कार, थोड़ा, हाँ ग्रीन, तुम्हारे दोस्तों में से है क्या? तो मैं फिर उनका फास कर दूंगा पर्दा, फिर पैसे मिल जाएंगे पुलिस ऑफिसर से। बताओ उनका काम खराब करूं या नहीं करूं? वो आपकी मर्जी है। आई डोंट थिंक हम में से कोई किसी के पास ग्रीन कार्ड है। पूछ लो जरा, कोई किसी को उठा रहा है क्या, एक बार पूछ लो। मैं घर पे 2 सेकंड में आया, ठीक है, घर पे सामान रख के 2 सेकंड रुको। अच्छा, कौन उठा रहे पुलिस वाले को? यो और यो, आप व्हाट्स अप किधर व्हाट्स अप हो, व्हाट्स अप। किधर हो? मेरा ड्राइव के आसपास एक चीज बता, यासीन, हम में से किसी के पास हरी गाड़ी है? हरी गाड़ी। हाँ हरी को मतलब कलर कौन ग्रीन सा है? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन गाड़ी ना, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ठीक है, को क्योंकि हम में से कोई पुलिस को उठा रहा है अभी? किसको उठा रहा है? पुलिस, कोई पुलिस? नया नो ना। ना, ठीक क्यों, है क्या ओके। सीन? अबे अब मुझे, मैं बंटी से मिला हूँ, एक बंदा है, तो उसने कहा कि हाँ कोई लोग हरी गाड़ी में ब्लैक, पूरे मास्क और पूरा ब्लैक पहने हैं, वो कोई पुलिस को उठाने के लिए बोल रहे हैं। उसको भी पूछा था कि अगर मिले तो पैसा दूंगा, तो वो सोच रहा है पुलिस स्टेशन जाके सीधा पुलिस को ही बोल दे। तो मैंने, वो पूछ रहा मुझे हमारे बंदे हैं कि नहीं। ना ना ना, ठीक ठीक है ओके। है। ऐ चोमू अरे वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। भाई किसके लिए? तेरा नो सीन ये हुए। गला बहुत कम आ रहा है, पूरा अरे गा रहा है वो। रुक, बाद में बताता हूँ। यार तुम्हारे पास कोई कार वार है क्या? दोनों यार रेस करना है मुझे, मेरी गाड़ी तो चली गई। रेस करना है? हाँ 100 डॉलर का है, ये कार दे दो यार, जो मेरी भी है गाड़ी तुम्हारे में पास। रेस हारोगे 100%। कौन सी कार है, कुछ भी दे दो। पुरुमा, वो दे रहा है, वो पुरुमा दे है, रहा तेरे है पास क्या है? कौन सा ये? भाई। ये ओपी खुल नहीं है, रहा, ये खुल ओपी नहीं रहा। है। लॉक्ड है, लॉक्ड है, तो वही तो दिक्कत है। मैं खुद ऑटो जाता हूँ। तो यार कैसे ही करूँ, लॉक पिक कर ले, लॉक पिक कर ले। लॉक पिक नहीं है मेरे पास, दे दे अगर है तो। अबे मेरे पास तो मैं खड़ा रहता हूँ, मेरी गाड़ी है भाई, मैं तो निकाला जा सकता हूँ। मेरे घर पे 10 लॉक पिक है, रुको। वो है ना हाँ कोई। ऑफिसर जॉनी सिंह थे ना, बैठो वो ज्यादा ही उंगली कर रहा था, तो ओके। ज्यादा मेरे ही को, हाँ अपने बंदे कोई थे नहीं, तो मैंने बाबूराव को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ओके। कि उसको उठा के ला स्ट्रिप क्लब में छोड़ना है। उसने किया क्या? अरे पुराना सीन था, मतलब वो जब पुलिस फोर्स में नहीं आया था ना, हाँ तो उससे पहले उसने मेरे को एक बार गन पॉइंट पे डांस करवाया था। जॉनी तो सेंस, हाँ, तो लाइक आई जस्ट वांट टू डू द सेम थिंग विद हिम। भाई
भाई यहाँ से गेट ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? कलर चेंज करना। अरे मेरे निकाल लेना। अब कभी कलर चेंज करूँगा ना तो अभी डिसाइड कर लेता तो मैंने ही दे रखी उसकी। और थर्मामीटर रेडी 5 और। ठीक है ले लूँगा सब। अबे तेरे लिए बाय कर रखे हैं। वाह कितने में खरीदा तू? 2000 पे। इतने महंगे क्यों? अबे भाई ये रेट पे मिल रहा है। बंदे बता लाइक 2200 ऑफर कर रहे ना उसको। लाइक जो अपन ने बंदा करा था ना पहले एक तरह को मिलाया था। हाँ तो उसको वाइट माफिया ज्यादा पैसे देने लग गए। और अब जेड के ओ हां ओके अंडरस्टैंडेबल। फिलहाल गाड़ी निकल गई थी क्या भाई? अरे जिमी है बे ऑफिसर जिमी। मुझे कोई भी हो बस उसने निकाली अच्छी T20। T20 है ना? नो आईडिया। हम गाड़ी में इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा हम नहीं रखते। वेट करता हूँ फिर बाबूराव ने कुछ करा। हेलो रेडियो चेक। रेडियो कौन सा है? रेगुलर। ओके पता ना रेगुलर क्या है? हाँ रेडियो चालू है। ओके रेडियो चेक फिर से बोल। हेलो रेडियो चेक। मैं कंफ्यूज तो मुझे मैसेज कर तो कौन सी रेडियो पाया। मैं कंफ्यूज हूँ कि रेडियो में आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे बाजू में ही बैठा ना तो पता नहीं। हाँ सही है सही है। अब आज बंदा आए क्यों नहीं अपने आधा? पता नहीं। मैं तो अभी अभी आया। मैं तो कुछ काम कर रहा था। व्हाट द हेल। अरे पीछे गन शॉप है। वहां गन शॉप काफी दूर है भाई। पता नहीं ग्रुप का हुआ कुछ भाई। ये कलर लेके मत जाना बस। हेलो सर कितना टाइम सर? दूसरी चल दो यार। मार्क का दूसरी मुझे पता नहीं है दूसरी किधर है। कौन कौन है रेडियो पे? बाबू। और बाबू बिस्तर ही ओके। बिजली। अरे बिजली है। हाँ हाँ बिजली है। लाइफ में पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ मतलब ये कस्टम्स पे। यहाँ पे भी अच्छा पेंट वेंट करते हैं ना? अगर गंदा देखा तो देख ले भाई। अरे बढ़िया करते हैं। क्या पता तुम गायब दिख रहे हो थोड़े थोड़े। अच्छी बात है। ठीक है भाई ठीक है भाई। अरे क्या फैमिली ज्वाइन कर ली क्या? ग्रीन वाली भाई यार पर्पल जैसा कुछ है ही नहीं। कोई अच्छा सा सब टट्टी है। रेड तो मैं कर नहीं सकता हूँ भाई। क्यों? लोग उदास हो जाते हैं शहर में। एक काम करो वो करो क्रोम मत करता। प्राइमरी क्रोम सेकेंडरी क्रोम ट्राई करो। मैंने वही कर रखा है। सेकेंडरी क्रोम में क्या होता है देखो एक बार। पुलिस चमचम आचम एकदम काट सरी की और डर लग रहा करते है। तो पहले मैं सेकेंडरी बदलता हूँ। आई थिंक सेकेंडरी का जैसे बहुत ही अलग फील आता है। का फर्क आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा।
अच्छा इसमें मुझे कलर मिल जाएगा मेरा वाला, वाइट करूँ? कर लो वाइट। फ्रॉस्ट वाइट है, आइस वाइट? आइस वाइट। लोग नहीं लोगों को लगेगा नहीं लेकिन कि मैं पर्पल गैंग में हूँ अभी। वो तो बाहर में गए, डरते हैं क्या? हाँ जी नो, एक इतना शानदार काम हुआ। क्या हुआ? मैं गाड़ी में फेक नंबर प्लेट लगाया गया था और एक बंदा आया मेरे पास, मतलब मैं तुमको पहचानता हूँ, मतलब भाई कपड़े अलग सब अलग कैसे पहचानता हूँ, मतलब मैं तो जग्गू हूँ। बंदा बोलता कि तुम राधे हो। मैंने बोला अच्छा कैसे, मतलब मेरे को तुम्हारी गाड़ी का नंबर याद है। मतलब आया, मतलब आया। कौन था ये चोमू भाई? भाई मुझे इसका नाम पता लगाना है। बताएंगे कभी अलग। हाँ हाँ भाई मेरा समझ रहे हो। हाँ समझा। कुछ तैयार नहीं था मेरे पास वरना उसके मजे आते। वाह भाई नमस्ते करता हूँ। किधर हो? फोरम जा रहा हूँ। अबे फोरम। और मैं भी आ रहा हूँ। टॉम क्या बोल रहा हूँ, चाचा आएंगे क्या? वो मेरा दोस्त आ गया सिटी में तो फिर घर ले लेगा वो। अरे चाचा का कॉल आया था मेरे को, बिजी है, बोला नहीं होगा आज, नहीं होगा कल होगा। कल होगा ओके। इनवाइट करूँ मैं किसकी है? मैं ऐड करवा ली। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला था उसके साथ ज्यादा नहीं घूमना है, समझ रहे हो? स्केलन किसकी है? पता नहीं। स्केलन की रेट्रो मेरी कलर चेंज नहीं, मेरी नहीं। मुझे स्केलन लेनी है। व्हाट अप वॉरियर, व्हाट अप जेड, ले लो। पैसे कौन देगा बाप? एक काम करो भाई। पैसे क्या हुआ, मेयर से बात हुई आपकी? क्या मेयर से बात हुई? हुई है, एक होने वाला है सून, पैसे का इंतजाम देखते हैं। ओके मेरे पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो किसने बोला कि मैंने आपको दूंगा? मुझे किसी ने बोला तो था। पता नहीं, एक नंबर का चोमू है वो। That's not fair man। भाई मुझे अभी प्लान छोड़ो, मुझे आज दो रॉबरी करना है बाइक पे, पट से इजी मनी करना है। करो और पैसे कमाओ, दूसरों पे मत रहो। भाई देखो बाइक से तो इम्पॉसिबल ही समझो। क्यों? बैंक रॉबरी के प्लान्स तो मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे। भाई देखो मुझे आज दो रॉबरी करने हैं, वो दोनों टू मैनी होंगे, जिसके साथ भी करो मुझे फर्क नहीं करना, एस्केप करवा दो, पैसे की बहुत ही जरूरत है, कभी लाइफ में इतने कम पैसे थे है नहीं मेरे पास। एक काम करो मैं शेयर नहीं लूंगा, ठीक है? एक बंदा और ले लो और प्लान मेरे पास ओपी है, चलेगा? ठीक है बात सुनो, बाइक नहीं मतलब कुछ ऐसी गाड़ी लेना है तुमको। हाँ ठीक है, इस पे हेली नहीं आ। ओके स्काईलाइन तो फास्ट है, उसमें लाइक पीछे खुल जाता, समझ रहे हो? ओपन हो जाता है। नहीं क्या 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 फिर से बोल, क्या पीछे खुल जाता है? ट्रक रहता है उसमें अपना डिलीवरी ट्रक देखा? हां टेरेस किधर हो? मेरे को पता कहां तो अपन। अरे घर में थोड़ा चिल मार रहा हूं, स्ट्रेचिंग मशीन कर रहा हूं। तेरा गला इतना कम क्यों हो रहा है? मैं भी आ रहा हूं। उसका बहुत ज्यादा तेरा कम है अब। सही एक सेकंड रुक जा, तीन तो नहीं करना। कुछ बोलो अभी। हाँ सुनो, मुझे बस ये पता दो कि थर्माइट मिलता कहाँ से? थर्माइट कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है? राधे से मिलता है। बेच रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं वो मजाक कर रहा है यार, वो नहीं बेचता। ओके ओके साले। हाँ ठीक है भाई, से नाम ले लो भाई। राधे रेडियो पे कहाँ है? राधे कहाँ मिलेगा ये भाई? कौन राधे भाई? अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी अभी छोड़ छोड़ बात छोड़ो। आह आ क्या रे, आ सैम ऐसा क्या? यार स्काईलाइन तो बहुत ओपी है गाइस, मुझे आज अभी से ही बोल रहा हूँ, मुझे दो रॉबरी करनी है, पैसे की जरूरत है, टू मैन रॉबरी होगी, जिसको आने जल्दी बस आओ।
इन जो जो भी चलाएगा बेसिकली, क्योंकि हम तो नहीं, हाँ फिर जो भी चलाएगा आ जाओ कर लो। और हमारे टायरीज का और हमारे पार्टनर पार्टनर जो बैठे हमारे साथ उनके पास एक प्लान है थ्री मैन वाला, वो बता दे मुझे जिसको भी इसको भी करना है। बोलो हाँ बोलो बोल बबल हेलो एक सेकंड हाँ थ्री मैन वाला है तो फिर मैं आ जाऊंगा, अगर टायरीज अगर टू मैन वाला कर रहा है तो पहले पता होता ना मैक्स के सारे बिजली नहीं है क्या? बिजली बिजली कड़क रही है। हाँ सुनो तुमको है ना, मैं एक जगह ले जाता हूँ, रुको। ओके चलो अबे मार कटा तुम्हारा। मैं अभी थोड़ा पैसे कमाऊंगा, इस कार लूंगा, उसके बाद डिंका डब्ल्यूटी लूंगा, उसके बाद घर पे चिल करूंगा पूरी जिंदगी। बढ़िया, और क्या करने का लाइफ में, इसी तरह थोड़ी ना है। एक गाड़ी लाओ दूसरे गाड़ी के सपने रखो, एक गाड़ी लाओ दूसरे गाड़ी के सपने रखो। मेरा तो गाड़ी को हो गया भाई, इनफ गाड़ी है। तो अभी ऐसे बोल रहा है, एक महीने बाद मिलूंगा बोलूंगा भाई ये देख तीन और गाड़ी खरीद ली। नहीं लेके एक मेसन वहां पर समझ रहे हो बंगलो एकदम। अच्छा ऐसा है क्या? किससे ले रहा है? सपने सारे बंद हो पेगा उसका। किससे ले रहा है बंगलो? पता नहीं बे, जो भी दे दे भाई, रेट टू रेट चाहिए। मतलब मेंशन चाहिए? हां हम दिलवा देंगे पक्का 100%। हाँ, देखो 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 ये वाला जो दिख रहा है पीछे जंप कराने का ये। हाँ इससे तुम जंप कराओगे ना तो हाँ। सीधे ऊपर ब्रिज पे जाओगे। गाड़ी से या बाइक से? सुल्तान आरएस। ठीक है ओके, सुल्तान आरएस से तुम उधर जंप कराओगे, ब्रिज पे जाओगे, ब्रिज के इधर एक ट्रक खड़ा रहेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो बंदा पैसा वाला है ना वो ट्रक के अंदर जाके बैठ छिप जाएगा चुपचाप, क्योंकि पुलिस वालों को आने में टाइम लगेगा, या फिर इधर से कोई सी जंप कर सकते हो। लाइक जो मनी वाला बंदा ना उसको बस ट्रक में आके बैठना है। चलो देखते क्या होता है ये गाड़ी पे। और ये तो गाड़ी बहुत मोटी है ये वाली, ये दिक्कत देगी। ओ भाई ये भी हाँ हाँ समझा समझा, ये गाड़ी थोड़ी मोटी है, मैं सोच सकती है इसमें पर समझा। ओके गॉट इट ओके। आइदर यहाँ पे भी ट्रक से रख सकते हैं भाई, मेरे आंखों में पीछे टो ट्रक जमीन के नीचे नाच रही है। अरे वो मेरे से भी हो रहा। अच्छा ठीक है यहाँ पे कूदेंगे फिर, या तो यहाँ पे रख सकते हैं दूसरा ट्रक या फिर नीचे। तो ट्रक में कुछ नहीं करना रहेगा, तुम ट्रक में पीछे वाला गेट खुला रहेगा ठीक है डिक्की, पुलिस वालों को तो आने में टाइम लगेगा सी बात है ठीक है। इतने में वो बंदा जो पैसे वाला है वो ट्रक के इधर चले जाएगा और डिक्की बंद, वो वाइट गाड़ी जो जो सी भी गाड़ी देगी सुल्तान आ रहे वो भग जाएगी इधर से। क्या करे तुम बताओ, तुम बताओ अभी गैंग आरपी चालू होने वाली है फुल पावर जब फॉर्म्स निकले। पर आजकल जब मैं देखा हूँ ना लोकल की गाड़ियों पे भी L1 आ रहा है, डिमांड रखना पड़ेगा नो L1। लैपटॉप अरे पीछे 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 वो देख रहा है वो वाला जंप। हाँ हाँ वो किधर लेके जाता है? उससे तुम ये जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग है ना उसके उधर वहाँ उसके ऊपर से आगे वाली साइड पहुँच जाओगे। ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग हाँ। के आगे वाले साइड ओके ठीक है सीधे जाओ या इस साइड गिरोगे तुम ठीक है। यहाँ पर राइट में एक बोट रेडी रखूंगा मैं, बोट में आना बैठना और गायब। ओ भाई पर ये ये थोड़ा मतलब पहले वाला था वो अच्छा था, ये वाला मैं मुझे ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं कि एक सेकंड ना अगर तू जंप भी करेगा ना हाँ तो
पुलिस तेरे पीछे सीधा सीधा आ जाएंगे यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट लेके। कहाँ पे? ना 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 लेफ्ट लेके आएगी, बाकी तुम सीधा बोट में बैठोगे ना भाई, पानी में गाड़ी कूदाते, टेंशन क्या है? देख बरगर तू, देखा तूने जंप किया, तू बिल्डिंग के ऊपर गया, यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर से तू सीधा जाके कूदाएगा पानी में, राइट? तब तक वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देख राउंड मारने देखने के लिए किधर से जा रहा है, वहाँ पे ही पकड़ सकते थे को तेज वेज करके। मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, पर मुझे उस पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा कुछ सेफ स्ट्रैटेजी। या तो फिर एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से जंप करा के ऊपर ले जाओ, ऊपर हेली रेडी रखूँगा। हाँ मैं भी सोचता था हेली का अच्छा है, और यहाँ से इसमें मुझे जैसे सीनियर है कि ना जिमी ऑफिसर है अभी से तो वो जंप हम कराते रहेगा बाइक को, टेस्ट करने की रिस्क रहेगी हेली में। यहाँ से भी जंप करा के पानी में जाने से डरते हो क्या? हाँ पानी में जाने से डरते हो क्या? क्या पानी में जाने से? अगर तू पानी में गिरा डरेगा तू कि तैरेगा? ना आता मैं वो जंप कर रहा हूँ, देखा किधर पहुँच रहा हूँ वो जंप से। नहीं ब्रो मैंने एफ कर दिया। हाँ यहाँ से वो भाई उधर साइड जाती है गाड़ी, बाकी और उस साइड से कुछ नहीं। टैंक देख रहे हो? हाँ फटता है इसमें, फटता है। ओ भाई ट्राइड है भाई, सारी ट्राइड कर रहे हैं। नहीं नहीं पानी में गए। इसमें ड्राइवर हो पीछे है भाई, मैंने बोला था। ड्राइवर क्या, मैंने पहले से बोला गाड़ी मोटी है साले। भाई आरपी को इंटरेस्टिंग बना, रेस हो रहा है पाजी का डॉ। मेरा आईडी कार्ड किसने लिया था कल? पता नहीं हम में से किसी ने लिया होगा, क्या पता। अगर अगर तेरे पास नहीं है तो हम में से किसी ने लिया होगा, क्या बताओ। अबे सुबह से नहाया नहीं था ना। लाखों की गाड़ी कितना ठीक है भाई। एक और ऑप्शन है मेरे पास, अब बिट रिस्की बट विल वर्क। क्या है? गैरेज सी में अपन मेरा केस लड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, आरपी में ऑफ कोर्स आरपी में होएगा तो तुम क्यों नहीं वार्निंग दे दोगे कि अंदर आओगे तो मरोगे ऑफिसर्स को, ठीक है? ओके। और वहां पर एक हेली ऊपर तैयार रहेगा, हेली में मैं पहले से बैठा रहूंगा, तुमको हेली की तरफ आना भी नहीं है, ठीक है? ओके। तुमको सिंपल सा काम करना है, तुमको जाके कोई सी भी डिक्की में छुप जाना गाड़ी की। ओके। गाड़ी पार्ट रहती है। और तो ऊपर हेली लेके उल्टा के उनको शिट बोलो। भाई नॉट अ बैड आईडिया भाई, तो मतलब हंसूंगा मैं बहुत। बोलो कर सकते हो, प्लान देख देख रेडी है, बट उसमें भी यही रिस्क है कि लाइक ऑफिसर ऊपर नहीं आना चाहिए तुम्हारे साथ साथ भाई। उसमें एक और रिस्क ये है हाँ। कि अगर सोच हमारे फॉर एग्जांपल दे ले कि हमारे पास नैनो है, बडिक्की में गया ऑफिसर को पता सब पता लग जाता है, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं गाड़ियां वहां पे और भी खड़ी रहती है बड़ी बड़ी डिक्की वाली, वरना अपन खड़ी कर देंगे। नहीं वही तो मतलब अगर अगर थोड़ा भी दिखता है ना कभी कभी, समझ रहे हो, तो उसमें वो ऑफिसर्स को पता लग जाता है और वो कुछ वो आके उठा लेते हैं, वही इशू है। नहीं नहीं तो गाड़ी अपन खड़ी कर देंगे। वो देखने का बाद में। अबे ये ट्विटर पे क्या चल रहा है अभी? डॉक्टर रीम अंशार्य कंस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सही है मजा आएगा शायद से दिखते। किधर है जंप ये वाली मस्त? कौन से कचरे का किधर जंप है? ये कचरे किधर से जाओगे सीधे उस साइड, बाकी ये बाइक्स वाली सारी लाइक बाइक से अगर तुम डुओ करना सोच रहे हो। अच्छा बाइक से हम आइडिया रखते नहीं है, बाइक से ये हमारा बंदा एक आइडिया कर लेता है, मतलब चला लेता है, उसको बहुत ऐसे जगह पता है।
तो बाइक का अगर 2 महीने है सिंपल एस्केप तो उसका टेंशन नहीं है, अगर पकड़ेगा तो पकड़ेगा तो मतलब चलता है, पर क्या? अगर हम पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, कभी कभी होता है, पर जनरली वो बचा वो कर लेता है आराम से। पता है बस बेकार सीन में को ये लगता थोड़ा कि लाइक ऑफिसर वो लेके आ जाते हैं हेली बाइक जब हे भाई ऑफिसर के हाथ में मस्केट क्या कर रही है कहां पर ट्विटर जा एसएसपी का ईगल का एक फोटो डाला है बाइनोक्यूलर्स के साथ उसमें पता नहीं कौन सा ऑफिसर है पर उसके पास उसने मस्किट चलाई है। वाह भाई पकड़ा हुआ कोई चोर उतर के पोस्ट के ले लिया। मुझे हगी मारू को मारना है। क्यों उसमें मेरा सामान चुराया अब क्या बात कर रहे हो आज ड्रेक ने मेरे को बोला था उसको बचाने के लिए तो ड्रेक के साथ उसको बचाने गया था एक पता नहीं मैं परसों हॉस्टेज बना था एक बार बैंक रॉबरी में किसी ने हॉस्टेज बनाया था और मुझे मतलब पूरे पूरे रॉबरी के टाइम पे थोड़ी सी भी खुजली नहीं हुई जेब में किसी ने मतलब वो फील नहीं आया जैसे जेब डाल हाथ डालते हैं कुछ फील नहीं आया एंड रॉबरी के बीचों बीच पुलिस के सामने वो बैंक के अंदर आता है घूमता है वो भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाता है वो हाथ पॉकेट में हाथ डालता है तो उससे ऊपर से डाउट आ रहा है ये पुलिस की गाड़ी ऐसे क्यों रुकी है। अच्छा गई हेलो रेडियो पे है और यप 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 10 10 पीडी नहीं पुलिस वाले गुंडे है वो आ औ औ अभी बाबूराव से डील कैंसिल कर दी भाई कि वो ऑफिसर चले गया था ठीक है क्या 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 डील अरे बाबूराव से डील कैंसिल कर दी ऑफिसर चले गया था। अच्छा मैं तो बस देख रहा हूँ ट्विटर पे क्या क्या बातचीत हुई है आज ये दिन आ गए बाबूराव ये सबसे लड़ते हो ये दिन आ गए ये दिन आ गए बाबूराव ये दिन आ गए इन जैसे लोगों को मारना है बोलो बाबूराव हम जाके थोड़े पैसे डाल के आए नहीं आ रहा है ऑप्शन ला 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 भाई सही लग रहा हूँ मैं यार ये गाड़ी में ग्रीन ग्रीन नहीं 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 हॉस्टेज में बनाओ मुझे ऐसा है क्या बाबू बनाओ हाँ अब बताओ कौन सा वाला एक्सीक्यूट करना मुझे वो वैन वाला पसंद आया कौन सा वो जो वाइल्ड वैन में बंदा बैठा और वही पर मुझे एरवन का डर है कि अगर थोड़ा पुलिस मतलब एरवन ले आए ना तो फिर मुश्किल पॉसिबल नहीं है वो फिर हाँ वो तो नहीं है फिर और ये पुलिस आजकल के बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या ही बोलूँ मैं तो भाई एक तो पहले ये गाड़ी बदले बहुत ही गंदा फील हो रहा है ये बेस्ट क्लीनर लग रहा है एकदम भाई भाई एक बार मुझे किसी को मारना है और यही गाड़ी में लेके जाना है पेस्ट कंट्रोल हम कर रहे हैं वैसे भी इजी समझ गया चाबी 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 मैं एक दो मिनट में आना दिमाग में हाँ बैठ मैं बैठ गया क्रोम क्रोम
क्या कर रहे हो तुम सब? थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा चिल मार रहे हैं। प्लान मैन है, एक प्लान है और दूसरा भाई एक सेकंड, हाँ भाई कोई और, हाँ एक प्लान है और दूसरा मुझे बस पैसे के लिए इजी करना है। टीएच पता है तेरे को? कौन टीएच? टीएच टीएच हाँ और नहीं क्या ही पता तेरे को? टीएच मेरे पास टीएच 9 था जब मैं एक दिन क्लैश ऑफ क्लैंस खेला था। ना ना अरे टीएच अलग है ब्रो, यहाँ पे टीएच बहुत होता है पुलिस वालों का। समझ गया भाई, मतलब ठीक है भाई तो मुझे नल्ला समझता, अभी मैं क्या करूँ भाई बाइक ओ टीएचसी। अच्छा जो टीएचसी, अच्छा 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 यहाँ पे जो पिंकेज है ना वहाँ पे पता नहीं पुलिस वाले है, बैंक के बाहर गाड़ी है। सी फॉर कॉप्स। यप भाई पहचान लिया, पहचान लिया। एक फोन आ रहा है गाइस, फोन उठा देता हूँ। हेलो क्या हुआ? हेलो हेलो अरे डॉक्टर ठीक हो? डॉक्टर हाँ सब ठीक है। अरे सॉरी डॉक्टर, शुक्र है बेड लगाई हुई थी हमने। अरे अरे सॉरी 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 साले, डॉक्टरों को भी दोपहर ही लग गए। कैसे भी चलेगा ठुकेगा ही भाई, ऐसे ऐसे चला रहा था, ऐसे देख ऐसे ऐसे तो डॉक्टर है भाई। तो क्या करूँ यार, ठुक दूंगा भाई, डॉक्टर तो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता मुझे? रुक मैं एक सेकंड दिमाग में हूँ। कलर कलर विच कलर, विच कलर डू यू वांट? अरे बिजली आई, बिजली विच कलर कलर विच कलर डू यू वांट? ज्यादा बचपन में पर्पल। ओके बट आर यू गोइंग टू गेट इट? अरे एक डिटेल मिली है कि वापस से सीज हो गई बुक फील्ड। अरे तो हम क्या करें, हमने थोड़ी पैसे दिए उसके लिए। बताया तेरे को ये इनको?
मैं गया था ना वहां पर स्पाइक्स 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 क्या भाई हिली लेके भी बैठे रहते वो लोग आसपास इजी भाई ढुल्ले को उठाओ स्पाइक शट अप ये मैं तो वही बोलता हूं ये स्पाइक्स को हटाना मैंने तो प्लेन उड़ाया था एक अब थोड़ा सा क्रैश लैंड हुआ था ढुल्ले को उठाओ उसको उसको बोले स्पाइक हटाओ और उसको बाप जान से मार दो पर कोई याद ही नहीं रहेगा उसको और आज देख रहा है डेयरिंग का कितना शीश जगह पे जाके प्लेन उड़ा के आ गया डरते क्या देता है ये राधे वादे भाई यार ठीक है भाई हो गया मेरा भाई नाम क्या था डॉन हूँ मैं डॉन सुनना वो काम कब कराएगा I'm back. Sorry. क्या मैंने मिस क्या किया? कुछ मिस नहीं करा. बिजली आई थी बस. मैसेज क्या कर रहा है यहाँ पे बोल रहा है. Hello. I'm back. मैंने मिस क्या किया? कब था? बता कब कर आएगा? क्या कौन सा वाला? अरे तुमको न्यूज़ को बोल रहा हूँ. फीचर. क्या कराना है? अरे गाना है. कब कराएगा क्यों मतलब? ओ भाई. कब कराएगा मतलब जब कब कराएगा है कि मेरे को नहीं आती ना चीज करा लूंगा जब भी हां मैं करा लूंगा जब भी बस वो एरिया क्लियर करने थोड़ा सा बंदे चाहिए उसके लिए बस अपने बंदे होंगे कर ला दूंगा कितने हैं मेरे पास पांच सर पांच हां वाह भाई कल तीन और हो जाएंगे कंप्लीट किधर हो गाइस तुम लोग एलियन अटैक हुआ हुआ है थोड़ा है अरे हाँ लाल लाल दिखा था मेरे आँखों में और लाल हवा में दिख रहा है नया लेयर एलियन अटैक हो रहा है भाई व्हाट द फक कौन सा पर्पल एलियन या ग्रीन एलियन व्हाट द हेल हेलो हेलो ये तूने भी देखा था भाई ये ओपी ट्रक है भाई इट्स रॉबरी कर पुलिस खत्म कर दे ओ, क्या हो रहा है एलियन अटैक किधर है ओ हेलो 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 सॉरी हाँ एक गाड़ी वाले को मार रहा था बता क्या अबे भाई वो ट्रक ठोक उसने ट्रक ठोक दिया मुझे मार दिया हाँ तो फिर बस मरा पड़ा है बैठे अंदर तू मरा पड़ा है वो मरा पड़ा है कहाँ पे अबे लोकल है चोमू बता भाई एलियन अटैक हो रहा है भाई ऐसे बोल रहा मैं कह रहा था वो तेरे को पैसे मिल गए क्या वहाँ के अभी तक नहीं हाँ अभी तक नहीं मिले अभी तक नहीं मिले भाई तू क्यों इतना उछल रहा है भाई नहीं मैं देखो अभी चाहिए क्या तेरे 9000 मैं वो बोलने के लिए अगर मिल गया होता तो मैं तेरे को पैसे नहीं देता अच्छा ऐसा है क्या वैसे भी चाहिए मुझे मेरे पास सिर्फ 10000 है ले ले उसे कहाँ आईडी बता दे आरी में 250 250 ना yep. पक्का yep, पक्का 250 अरे मैं गिर गया भाई एलियन एलियन सीन चल रहा है इसको छोड़ के दे इससे दूर चल भाई मेरे मंकी पे शक आ रहा है दूर चल इससे
What up, Shaurya? Welcome to the stream. कैसे हो यार? क्या करना है? अरे कुछ करे? भाई alien attack हो रहा है, देख रहे नहीं हो आप? किधर? हमें भी देखना है. भाई alien का जादू टोना चल रहा है यहाँ पे. किधर किधर देख? Send location. अलग ही चल रहा है जादू का. हमें भी location तो हमें भी alien देखना है. Los Santos में हो रहा है. Customs. ए भाई कहाँ गया ना तेरे को? आ नहीं कुछ नहीं है, फिर से भेज. भाई हेलो भाई छोड़ो, चुप करो छोड़ दो. हेलो पुलिस का हेलीकॉप्टर. व्हाट द हेल. हेलो हेलो. हाँ सॉरी सर, मेरे आंखों में अभी अभी आए. ठीक है कोई नहीं, वो शहर का लोचा. हाँ 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 मैं भी मस्त हूँ यार, ऐसा लगा गेम चेंज करना पड़ेगा. वैलोरेंट नहीं खेलूंगा शायद से. हेलो आवाज आ रही है मेरी? टेरेस गाइस बोलो. हो ना? हाँ मतलब कुछ इशू चल रहा है. या दोबारा से हुआ. का पैसा दिया ही नहीं बेंचो. वाह भाई. हेलो हो गया मेरा सर. अब बेच रहा था स्क्रैप का पैसा ही नहीं मिला. हेलो वाह भाई तू कर रहे हो ये अभी? What up sir? जब एलियन अटैक चल रहा है. आवाज आ रही है सर? कि नहीं कट गया भाई. कट गया. हाँ ओ ऑफिसर. अबे यहाँ पे और लोग हैं क्या? कि ऐसा ऑफिस देखो. नहीं यार नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज. मेरी उसको टो कर दो बे. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ. जादू है नशा है. एलियन उठा के लेके जाएगा ना फिर का ऐसा. जादू जादू. नहीं उठा ही नहीं पा रहा मैं कुछ. गिरा कैसे रहा है? हेलो किसको सिस्टम बात कर रहा है? माय माइंड फक हो रहा है. किससे बात कर रहा है? क्रैश. पता है समझ गया. मेरा पार्क मैंने शुरू. गाइस मेरे को इधर छोड़ के चले गए यार तुम. ओह माय गॉड. किधर पर है मंकी? मिरर. मैं आ रहा वैसे भी उधर अभी भाई. अरे चला पा रहे हो तुम? पास हो जाऊंगा. कौन? ओ भाई एक सेकंड. हेलो एक सेकंड रुको. एक तो माइकल तुम गाड़ी चला पा रहे हो क्या? हाँ हाँ रुक रुक एक सेकंड. Ops behind me guys. Kidhar? Might need backup. Kidhar? Wildwood Boulevard. Coke bech raha tha. Aaya. Kaun si gaadi mein tu? Kya situation bata de raha main aa raha hu raste mein hu. Meri gaadi itni tez nahi hai par.
हेलो हेलो कौन कौन है रेडियो पे? कौन है यहाँ पे? हेलो एक सेकंड रुक जा, हेलो। रुक रुक रुक। और लोकेशन भेज। हाँ भविष्य के बारे में कोई जानता है क्या? नहीं, क्यों? अच्छा, भविष्य वो अपना बंदा। ओ भाई जो भी रेडियो पे एक बार बता दो, मैं भी कंफ्यूज हूँ कौन कौन है। नोट मेरा डाल में अटका हुआ है। एफ जादू तेरी नजर। सर आई लव यू ऑल पी, थैंक यू सो मच। खुशबू तेरा सर। सच अ स्वीट वॉइस, आई नो वर्ड्स, आई रियली लव यू ब्रो। रेडियो चेक, द सर्वर स्टेबल नाउ? आई डोंट थिंक सो। आई ओ भाई नहीं, ओ भाई मैं इन्वेंटरी खोला, ये हो गया। सर्वर स्टेबल, आई डोंट नो, बता रहा शौर्य, कुछ भी बता लो यार। मेरी
मस्त रोलिंग देखता सीधा लेफ्ट 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 जा गाड़ी हम जान मुझ के इसकी गाड़ी रिपेयर नहीं करेंगे। ये कौन है भाई? आता हूँ। वैलो खेलते नहीं तो और क्या? हाँ खेल तो सकते हैं, माइंड यार बहुत मजा आता है। आई मेक थंबनेल सो इफ यू वांट आई कैन मेक फॉर यू टू। श्योर यार तुम मुझे बता तेरे चार्जेस क्या है भाई? मुझे बहुत लोग आते हैं बोलते हैं भाई थंबनेल बनाता था पर उनके चार्जेस बहुत हाई है, तो अगर इफ़ योर चार्जेस आर फाइन आई विल कम, आई विल हेल्प यू फ्रॉम योर मीन। कुछ प्लस पैसा हुआ ही नहीं, सामान भी बेकार है। हेलो बोलो। मेरा इशू चल रहा है यार। ओए कोई है अभी शहर में? हेलो ओए बिजली बिजली आवाज आ रही है? फिर बना सकते तो बना दे फिर अगर चार्ज नहीं है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 आवाज आ रही है? हाँ सुन मैं तेरे लोकेशन भेजा तो चेक कर सकता है। मुझे फ्यूचर का लोकेशन आया है और मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही, मतलब मेरा समझ क्या हुआ है जीरो का। अरे कुछ दिक्कतें हो रही है कुछ। हाँ 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 तो आई थिंक उसका कुछ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा। तेरे पास गाड़ी है अभी? नहीं। वाह ठीक है हो गया फिर। हाँ सर आई विल डीएम यू ऑन डिस्कॉर्ड, आई विल सेंड सम एग्जांपल्स ओवर देयर, चलेगा? ऑलराइट नो वरीज। फाइनली गाड़ी देखिए। हेलो किधर है तू? हेलो क्या किधर है? क्या मालूम बहन चुत, मतलब चुत आप भगवान को प्रार्थना कर कर के थक गया मैं चुत तेरे साथ। हेलो चार लोग बैठे एक नहीं दे रहा। अबे वो सब छोड़ है किधर? बिल बॉक्स। कैसे बिल बॉक्स? मर गया था यार काले जादू से। Thank you.
पता है वो पीटर था ब्रो, हमें नहीं पता। उड़ा है किधर तू? मैं अभी आ रहा हूँ फोरम, मैं पिल बॉक्स आ सकता तो है तो उधर। पिल पिल बॉक्स। हाँ हाँ रखो। शौर्या वो मेरा डिस्कॉर्ड है, उधर से बताओ मेरा बताओ नाम आ सकता है। बोलो। बोल कहाँ हो सब। मैं पिलबॉक्स जा रहा हूँ यार, ये पता नहीं फ्यूचर को क्या हुआ था। पिलबॉक्स पे हो क्या? मैं भी आ रहा हूँ। आ जा। भाई किसी को ओसाइरिस चलानी है क्या? यस सर। क्यों मतलब? यहाँ पे पड़ी हुई है। किधर? हेलो माइकल। हाँ ना ना, आई एम नॉट माइकल। ये किसने बोल ईडीएम रहा? ये किधर? हेलो। अरे हॉटवायर नहीं कर रहे, गाड़ी हटा रहे भाई, दिमाग फट गया था ना इसीलिए। क्या करे, करना पड़ता है। वाह भाई, हॉट वार करना पड़ता कभी कभी तो भाई अपनी बीवी को भी बहन बोलना पड़ता है, क्या बताए। चलो क्या? चलो चलो आपके चलो, तो चलो बहुत कुछ ही नहीं बुरे कुछ दिन नहीं है, बहुत ही कुछ नहीं बुरे कुछ दिन है। नहीं। अपनी बीवी को बहन? व्हाट? हाँ समझ रहे हो, हमारा ही हमारा ही हमारा ही है। अरे स्टक्सी काट रहे खुश मेरी भाई। चेक। मेरी है। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मेरी है। वही डॉक्टर। पार्किंग से पार्किंग में लगाओ या तो मैं डॉक्टर लोकल टो या तो टोको बुला दूंगा। हाँ बोलो नहीं बोलो। नहीं आपके नहीं पास पानी या खाना है क्या? पैसे दे वो बैठ दूंगा। जाओ घूम के आते हैं। हाँ अरे मैं माइकल नहीं हूँ। अरे माइकल कितना दूँ? अरे ओ बेचारा यार माइकल, भाई ये तो ए मुझे माइकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ए थर्टी माइकल टू पे आप पैसा दो, कितना मैं नहीं दे दूँ? रहा, तुमसे लूंगा। हाँ नीचे कितना रख दूँ दिया। अरे सर नीचे रख थोड़ा जगह दिया, दे दो। दे दो इतना चाहिए और तो मैं बताओ, जितना भी दे सकते हो। ओ पाँच हेलमेट पाँच वाले पाँच दे जगह दे हाँ ठीक दो। है बताओ कितना देना माइकल है। कहाँ हो? एक सेकंड पिल बॉक्स। 10 10 10 10 15 15 15 15। अरे मैंने ले लियो साइरिस। 15 15 प्लस 5 मतलब ओ भाई इधर ले यार, 15 पांच बार करो इधर। और 10 पांच बार करो दोबारा से। पिल बॉक्स के सामने हूँ मैं, आजा ठीक है। मतलब बाल पीछे से निकल रहा है। 3 2 2 ना टाको और इतना बड़ा। अरे फ्री हमारा बिजनेस क्यों ठप कर रहा है? टाको पानी क्यों दे रहा? हम देता ना। अरे चोरी किया नहीं, वो मुझे बोल डॉक्टर का साले। चाहिए डॉक्टर का, हॉस्पिटल का खाना मुझे मतलब बहुत हेल्दी लगता है। गरीब गरीब है मिली है ओ गरीब आदमी। गाड़ी का क्या करा? सही है गाड़ी। आजा आजा इधर आजा, छोड़ ये सब आजा, सर दे दो पैसा बिंदास फटाफट मजे लेते हैं। आजा सर अंदर आ जाओ ना, यहाँ पे बहुत लोग है, कोई चिल्ला लेगा। हाँ पिल बॉक्स के सामने हो। ओ हटोड़ा अंदर रख। 3 2 2 आया मैं हूँ। ये सफेद टोपी चाट बहन जो तुम्हारी आंखों का लुच्चा पकड़। अरे सर ये लो। हाँ इधर आओ इधर आओ भाई, मिला चोर लग रहा है मेरे को वो हेलमेट वाला। मिला हाँ मिला मिला मिला। टोटल इतना होता है, इतना चाहिए क्या तुमको? अरे नहीं ये चलेगा, मुझे पता नहीं। ऊपर नीचे छोड़ो ना, वो मुझे बस भूख और प्यास बहुत लगी है। तो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है अरे एक्स्ट्रा क्यों दिया? ले लो ले लो। वाह भाई बड़ा टेस्टी है। डॉक्टर ये पानी में हाँ कुछ बोलो। मिलाया था आपने? नहीं 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 एकदम प्योरीफाइड है मुझे वो। थोड़ा वोडका का टेस्ट आया, मजाक मत करो मेरे साथ। नहीं 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 प्योरीफाइड है मैं प्योरीफाइड। बता दूंगा वाह सबको आप डॉक्टर। नशे में हो शायद। नहीं नहीं यार मुझे मुझे टेस्ट आया वोडका का। मैं मैं क्या करूँ हल्क मतलब आप भाई मुझे यही है ना, आप मुझे पहले पिलाओगे, नशे चलाओगे, फिर मारोगे, फिर ट्रीट करोगे, फिर बोलोगे पैसा दो, मुझे पता है। नहीं रहे ऐसा मत करो मेरे साथ डॉक्टर। नहीं कर पाऊंगा। भाई मजा। माइकल अभी तक उधर ही हो ना? हाँ हाँ डॉक्टर से खाना ले रहा था। गोरी बंधु कैसे आके बोलता है मेरा बिजनेस रोको के साथ। किधर हो तुम लोग? फिर मैं और मंकी बाहर है टेरेस किधर? पे। अरे भाई की टू तुम सीटर है शश हो ना? क्या गए? हाँ हाँ वही तो। साइड तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है है क्या? ना रुको मैं भी आ रहा हूँ किसी तरह। हाँ मेरा नाम है अमर सिंह, मैं क्या कर रहा है तू? हेलो क्या कर रहा है तू?
भाई मैं दिमाग खराब हो रहा बेफालतू का यार। क्या गया क्या क्या गया सब क्या कौन अरे भाई? काम करना मंकी एक बार वो बाबू के घर ले मेरे को गन ले किसी गाड़ी है भाई कौन लिया ये गन ही नहीं हाथ में नंगा तो क्या लगता है कौन लिया तेरे जैसा गरीब तो नहीं ले सकता इतना पता अरे मेरी गाड़ी है चल दे चट को मेरी हो गई मेरी हो गई बोलते भाई हक दे रहा अब बता कमेरो निकालने सबर्बन निकालने मीडियम चल रहा एक सेकंड रुकना कमेरो या सबर्बन सबर्बन मैं भूल गया जीतना पड़ेगा अरे वो जो कायरा के पास है भाई वो बड़ी वाली गैंगवर वाली कमेरो 100% कमेरो मतलब शहर में बहुत पॉपुलर वो गाड़ी पर हमारे लोगों के पास बहुत कम है ना मैं भी एक बार स्काईलाइन लेने वाला हूँ तो को अभी लेने ले ले स्काईलाइन पैसे ले लो उसे नहीं यार अभी नहीं क्यों अभी क्या होगा घर पर ले ले क्या यहाँ पे क्या सीन है हेलो हेलो सबर बन लेते हैं नहीं तो हाँ नहीं चल ले ले ईडीएम मार करना ईडीएम जाना पीडीएम नहीं हाँ ईडीएम वही बोला ईडीएम मार करना पहले यहाँ पे चलते हैं पैसा निकालने क्या है बे परो कहाँ परो यहाँ पे आजा पीडीएम नहीं ईडीएम 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 ओके लॉ लोकल ओपी भाई वेरी नाइस कैलकुलेटर से घंटा कितनी शान से बोल रहा कैलकुलेटर यहाँ राइट में एटीएम यहाँ पे है ना इसके बाहर भाई कहाँ देखना भाई यहाँ पे कितना दूर रोका है लाइफ में थोड़ा तो चल ले यप 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 कितना पैसा निकल रहा है बैंक में $37 पड़े हाथ में 65 चल वापस रख दे भाई काय के लिए क्योंकि मुझे डर है कि पैसे वेस्ट जाएंगे क्यों क्योंकि बहुत जादू वादू हो रहा है बाकी तेरी मर्जी तेरा पैसा है तो फिर सबर्बन निकाल लेता ना भाई नहीं मतलब गाड़ी निकाल रहा है तो क्या तू क्या बोल रहा है तू अरे तो सबर्बन निकालेंगे तो कम खर्चा होगा ना भाई मतलब पिको पैसे वेस्ट ही कर दो मुझे देते मैं जेब में रखता हूँ मैं बैंक में डालता हूँ भाई अरे वैसा बात नहीं है मतलब मेरे को निकालनी है अभी मन है बहुत कौन सी निकालनी है लोग एक बार मैं एक बार जाके आया अंदर अमीर लॉन्डे भाई हम ही गरीब है देखते गाइस कौन कौन सी गाड़ी आया मैं भी ये खरीदता अगर लेजेंडरी होता यार 7500 का एक बाइक है भाई क्यों नहीं ये छोमो सी गाड़ी लेडी बर्ड
ये अगर फोर सीटर होती ना भाई तो क्या बोलूं मैं। बताओ चलो ए भाई, किसी को सेट चाहिए क्या? मेरे को अर्जेंट पैसा की जरूरत है। क्या किसी को सेक्स चाहिए भाई? ठीक है भाई। क्या भाई सेट सेट की सेट की सेट? अच्छा भाई तो ढंग से बोल यार, मैं क्या समझूं। अकेले आदमी कितना गिर सकता? बहुत ही ज्यादा। चल माइकल बाहर जाके खड़ा हो जा। जादू जादू क्या खरीदा इसमें? अरे भैया गाड़ी से मत पूछ लो भैया, हम सीधा आदमी। क्यों कुछ लो मैंने? अरे बोल रहे भैया कुछ लाल मत दे। अच्छा क्योंकि गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अरे निकाल रे। क्या निकालूं? लंड जी भाई तुम भी पैसे के लिए। अबे गराज चल, गराज किधर है? गराज चल, गराज पैसे गए? गराज चल, कोई भी गराज चल जल्दी। ये बात नहीं, गए भाई गए पैसे। मैंने वो मैंने वार्न किया था इसको, देखते भाई मैं जा रहा हूँ उधर भाई। ओ भाई एफ भाई डरा दिया, उधर गाड़ी नहीं आई, मेरी गांड फट के हाथ में आ गई। अभी किधर है गाड़ी? ये सामने दिख नहीं रही क्या? नहीं मुझे नहीं दिख रही। वाह भाई रुको भाई। सही भी है भाई, 65 की खरीदी भाई, एक नंबर का चोमो है। आप दिख रही है? नोप अब नोप, एफ होगा भाई, शहर में सिर्फ देखो दिखेगी गाड़ी अब नहीं। अब ये पहले वाले पे आते हैं कि दूसरे वाले पे? अबे ये गाड़ी का ठुकरा साले इज्जत से रहा। अबे नहीं दिख रहा है मुझे भाई, तू किधर गया भाई? हेलो उधर आ जा, फोरम फोरम वाला गैराज जो है ना अच्छा है बहुत, उसमें आती है गाड़ी दिखती है सब। कौन सी वाली लुई मुझे वो भी नहीं पता। ए भाई क्या वो ले ली सबर्बन? अच्छा कमरे दोनों ले ली? अरे तो दोनों ले ली ना सबर्बन का। एक काम कर वो 7500 वाली बाइक भी ले ले। वो तो कब की ले ली? हाँ क्या अब बस सबर्बन लेनी है भाई, उसकी गाड़ी में ठोकते दीवार में ठोकी। भाई टट्टी ब्रेक से ब्रेक लगाने की इच्छा नहीं हुई मेरी, इसमें पता मजा आता। तुम जैसे लोगों को बोलते हैं चोमू। नहीं दिख रही भाई, मैं शहर छोड़ के आ रहा हूँ। बाय बाय बाय, आ नहीं पाएगा शायद। ओ भाई ये इधर बात हल्का धक्का दे दो सर, सर हल्का धक्का दे दो। अरे सर हमें हल्का धक्का दो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बम्पर कहाँ से है क्या? हेलो 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 हल्का धक्का दे दो। तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे बैठो। अरे मैकेनिक बहुत धक्का दो धक्का। अरे भाई ठीक है भाई, चोमू बनाएगा भाई ये। अबे ठोक के सीधी कर दो, नहीं निकल सकता। लोके हेलो, व्हाट द हेल, हेलो ओए आप ठीक तो हो? लगा नहीं है सीधी। चलो बेचारा मर गया तुम्हारी वजह। बेचारा क्या भाई,
गाड़ी ठोक के और उल्टी कर दी बेचारा बोलता है एक नंबर का छू है वो कितना ओसी लिखेंगे ये लोग बिचेस तू बिच पे क्या चल रहा है मैं बस बैंक में पैसे डाल रहा हूँ हमें भी दे दो थोड़ा पैसे भाई और मैंने मैनेजर को पूछा निकाल सकते हो उसने कहा अभी नहीं निकाल सकते अभी तो मैंने कहा ठीक है बाद में आके पूछता हूँ क्या निकाल सकते थोड़े से पैसे निकालने थे ना बैंक से तो पूछा कि मैनेजर से पैसे निकाल सकते हो कि नहीं उसने नहीं बोला मैं आऊँगा जब भी निकालने बोलेगा तब तक मैं एक नाइस ड्रिंक का ढूंढ रहा हूँ किसके साथ प्लान बना रहा है एक एक चोमू है जो जिसके नाम पे एक पानी का बॉटल का ब्रांड निकला है वाह भाई वाह हेलो ये नंगा क्यों चला रहा है शहर के अंदर बाकी के लोग कहाँ कहाँ हो बोलो मैं और मक्की एक साथ अरे अभी हुई है जैसे मैं देखो आज से जैक डैनियल्स बुलाऊंगा क्या देखो आज से जैक डैनियल्स बुलाऊंगा भाई ब्रांड का नाम तो रख दिया मेरे पे भाई हाँ भाई किसका नाम अपन सारी ब्रांड के बेचते हैं नहीं देखो ब्रांड का कर दिया भाई तेरा सीक्रेट नेम जैक डैनियल्स रख लूंगा अरे भाई चलो चले मेरे साथ जैक डैनियल्स बैठा है गाड़ी में अबे भाई बाइक वाइक में नहीं भगा पाऊंगा ठीक है बाइक के लिए तो मुझको लेके आना बाबू हाँ बोल क्या सीन है अपने हैं बंदे शहर में बंदे तो है शहर में क्या सीन है करते फिर कुछ सीन बैंक वैंक मारने का प्लान बना था मेरा और एक इसका क्या नाम है इसका पीसी इसमें डिस्क्रिप्शन कैसा लगा ये एफसी मजा आया पर थोड़ा और खेलना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए बैकअप में रहते हैं हम तैयार चलो चलो पेन भाई गाड़ी का ब्रेक लगा यार भाई अभी तुमको रॉबरी करनी तो वो ले ना भाई रेट्रो कस्टम से रॉबरी करनी के भाई गाड़ी में ना मुश्किल पड़ जाता है जो आसानी बाइक में होती है ना वो नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम है मतलब अगर अगर सिंपल एस्केप करना है अगर कुछ प्लान है तो किसी में भी करो वो चलता है पर नहीं तुमको अगर लगे इसमें एस्केप करना तो बहुत ओपी गाड़ी है नहीं अभी तुमको पता है हमारा बात सुनो गाड़ी चलाते रहो सबका फ्यूल खत्म हो जाएगा तुम्हारा भी होगा हाँ पर फिर वो चोमू लोग आजकल ज़्यादा पिट करते हैं भाई उसी का ही महंगा है मैं पूछता हूँ अबे पेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता गाड़ी पे बस उल्टी नहीं होनी चाहिए गाड़ी बस हाँ वही भाई गलती से होगी तो बाकी तो भाई पत्थर है ए यो रेडियो चेक ये कौन है इतना उछल क्यों रहा है कौन सी बाइक है ये पता नहीं ओ ये चाबी दे दो मुझे पता नहीं गन हाथ में है कि नहीं अबे तो लो ना क्या हुआ हाँ रुक रुक अभी लूंगा अरे आसान पड़ता है गाड़ी के अंदर से ही लेने का मेरे को चाबी दे दे गाड़ी हाँ देख मिल गया दे दिया मिल गई हेलो ओए बाबू बोल पहला पार्ट खो गया
ड्रिंक का मिल गई डबल। हाँ डबल टी सही है। बिजली गाड़ी में तो बैठ जा, कहाँ गया? क्यों पार्ट टू कराना तुम्हारा? बट क्या बोल रहे हो? पार्ट पार्ट टू सही है। बकरा उठवा देते हैं। और वो देखो गया तो इतने मजाक में पहुंचा है क्या बात है? बता मजाक ऐसा है क्या? चलो रुको मैं थोड़ा कपड़े वपड़े सेट करके आया। डिलीवर कर दूंगा तुम दोस्त। क्या जेब में है कब? फ्यूचर राधे तुम दोनों हो कतर मतलब? हाँ हाँ हाँ। कहाँ पे हो तुम लोग? कफ जेब में है? घर पे अपने घर पे। कफ जेब में है? मैं अमरीलो पे ऑर्गेनाइज्ड कर रहा हूँ एक फ्रेंड के साथ। तो भाई गाड़ी चला के वो मैं ले लूंगा टेंशन नहीं है। मैं तो कपड़े सेट किसी को सेट वेट मारना कपड़े है, कपड़े सेट करके आया। हां इसको मारना है मेरे को मारना है। मेरे को भी मारना है। जो आजो इधर हम इधर ही वहां पे कितने लोग हैं मेरे लोग पे तुम लोग का? तीन ही है मैं छतरी और हेला। पक्का? हां हां ऑलरेडी 6 सेट कर लिए छतरी ने। ओके ओके ठीक है फिर मेरे को भी एक मारना था और मैं आ रहा हूं इधर आ जा पावर स्ट्रीट पे आ जा। ओके पावर स्ट्रीट पे ही हो रहा है। किधर गया तू? आ रहा हूं रुक जा। आ जा इधर ही। ग्रोव स्ट्रीट स्टोर से कैश निकाल रहा हूं मैं। वो हॉस्टल में तो तू लोकेशन भेज मैं आ रहा हूं गाड़ी लेके। अबे ग्रोव स्ट्रीट ग्रोसरी से इसको हॉस्टेज बना रहे कौन है इसके साथ? हां अभी बनाने अगर बनाए तो प्रयास पर घूम रहे भाई। सही अकेला है क्या तू? हां कौन है क्लोज जाके? मैं अभी यहां पे दो और लोग आ गए ट्रेन दबा के अमरीलो पे। बट वो इन लोग की गैंग इसके गैंग का ही उमर लाला है। अंकी कहाँ है जल्दी आ? आ रहा हूँ बाहर आया। इधर है तू? शॉट्स आम चित्त थाम है। हाँ पावर स्ट्रीट पे हूँ। टोटल बता क्या नाम है इसका? पीडीएम के पास हूँ मैं पावर स्ट्रीट पे। अरे पावर स्ट्रीट बोल रहा हूँ मैं। पीडीएम के पास क्या बोल रहा है तू भाई? दिखा तो रहे भाई। होस्टेज बन गया कोई? हाँ सेफ हूँ। सेफ है तेरा नाम? मैं सेफ हूँ। बकचोदी उधर कैसे गया? मैंने तेरे को उधर ड्रॉप किया ना पावर स्ट्रीट। मैं आइसक्रीम जा रहा हूँ 5 सेट लेके। कितने लोग हैं वहाँ पे लिंकन? यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ छतरी के साथ। ले रहा हूँ ठीक है जाओ भाई। पर देखो हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर कुछ सीन हुआ तो। देख लिया नहीं वहाँ बंदे हुए तो? नहीं वहाँ पे ऑलरेडी बंदा है खोखा सिंह वहाँ पे ऑलरेडी है। कुछ सीन नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कुछ सीन हुआ तो 6 के ऊपर नहीं हो सकते। हाँ नहीं कुछ सीन नहीं है। चल कौन कर देगा भाई?
ठंडी लग रही है भाई। अबे हैकिंग कौन करेगा लोग? एनीवन देयर? उधर है ना कोई? इसको पूछ भाई, अभी तो तू बोल रहा था भाई मेरी मेरी गैंग के बंदे हैं बे छतरी। किधर हो तुम लोग? क्या चल क्या रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा हैकिंग कौन करेगा। वेस्ट कर रहे हो, आधे लोग कनेक्ट कर रहे हो। हां हां करते हैं फिर सब मिलके। चलो चल फिर। मंकी कितने सेट है तेरे पास? राधे का कर भाई 500 और फिर हम लोग तो कोई बंदा। अबे मत मत हैकिंग कर दूंगा। अबे वो हैकिंग, अरे वो बकचोदी कर रहा है। हैकिंग तुम तुम्हें नहीं करनी आती क्या? ए परफेक्ट टीम में फोन मांग रहा है बे। उसको बोल टायरिस आएगा 500 देने। अबे ओमर लाला बकचोदी कर रहा है। हेलो गनहस्ट कर रहे हो कि नहीं ये बताओ। यप 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 लोग ऑलवेज है। कितने लोग हैं गनहस्ट में? मैं नहीं हूँ। तो है कौन? वो पूछ रहा हूँ मैं। जो भी है वो मैं हूँ। और एक इधर वो क्या नाम है? ठीक है। बाबू किधर है तू? ओ बाबू बुला रहा हूँ मैं। लॉल बाबू 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 ए बिस्लरी। मारो रन मारो। बस तेरी किधर है तू? काय के रन वेस्ट मेरा ड्राइव रन काय के मारे हम गन रन ना। इसको मारना था बोला ना। तो ठीक है। क्या सीन? तीन थर्माइट रेडी है तेरे? नहीं तेरे पास है कितने? मेरे पास रुक जा थर्माइट दो निकालूंगा तेरा बाकी था ना। तो ठीक है तो बस चिप है ना क्योंकि मेरे पास एक है वो भी तेरा है। नहीं मेरे पास एक है पर वो भी तेरा ही है। निकालना पड़ेगा अभी। हां ठीक है निकाल लूंगा। चल अपन एक भड़वे ने एक्सेस हटा दिया। उसके पास बहुत सारे चिप थे। वाह ये फ्यूचर ठीक है ना? इसका एक जीपीएस आया था कभी पहले पहले लाइक। हां वो ठीक हो गया। हां Mm.
यहाँ पे तेरा घर कौन सा है? लिंकन हेलो लिंकन हो क्या? हाय डॉगी डॉगी हो गाइस किधर है तू? यो मेरी जेब में। ओके। What the hell? हेलो? क्या हो गया? पता नहीं काला था तू। तेरे जेब में एक दो बैंडेज है क्या? दो ही बैंडेज है। एक एक जगह, एक दे दे, एक जगह। क्लब में डाला था मैंने। ठीक है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर ले ले वैसे बैंडेज आई थिंक रिक्वायर्ड हो सकते हैं पीछे था रे ग्रोसरी अच्छा उधर हाँ हाँ याद आया पैसे भी डिपॉजिट करने वैसे मेरे पास अगर 300 है जेब में पीछे ले बार पार्किंग लॉट वहाँ पे एक एटीएम है वहाँ रुका दे लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे ओ भाई पता नहीं था 6000 अपना बोगीमैन कहाँ है बहुत कम दिखता है क्या पता हमने सुना वो लैंड पे कुछ ज्यादा ही है वाह ये होने यहां पे कब से तेरे पास या हेलो बॉयज यप है बोलो किधर हो आ सकते हैं तुम पेट्रोल पंप बॉक्स पे वेट करूं मैं तुम लोग ने गणेश करनी है ओ लिंकन बोल बोल तू ठीक है ना हां हां अच्छा ठीक है किधर हो तुम मेरे पास ड्रिल भी है बताओ जगह बताओ वहां पे व्हाट द हेल यहीं पे इंस्टेंट हमारा तो भाई गाड़ी दो लोगों तूने देखा जो मैं देखा हां जाओ गणेश पे मैं और मंकी जा रहे हैं हां अचानक गणेश पे हो या डॉक्स पे रुको कुछ के किया भाई मेरे को लगा ही रहा आंटी का कुछ हां डॉक्स पे ही हूं मेरे को इंस्ट्रक्शन दे मैंने कहा मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ये बार ये क्या हो गया बोर्ड हो जा वाला मेरा ऐसा आंटी डोर खोलते रहेंगे तो हो गया अपना भाई जाते हैं ना टेरेस अरे बाबू हाँ हाँ अरे मेरा तो इसका प्लान चल रहा है ना बैंक वाला अरे ये क्या है ये कौन सी गाड़ी है जे लेने स्कूल बस हेलो कर रहे हो बैंक कौन सी गाड़ी है ये ग्रुप पे की वैन है ओह ओपी सामने से स्कूल बस लग रही थी क्या कर क्या सीन क्या है अभी हॉस्टेज बनाना हॉस्टेज बनाना है और भूल गया फोरम जाने के सेकंड एक चप एक थर्मल निकालता हूँ एक बड़ी सी येलो वैन घूम रही है शहर में कोक स्ट्रिप पे आज भी कोक स्ट्रिप पे क्या है आज सीन है कुछ पता नहीं भाई हमें तो कुछ दिखता नहीं वहाँ पे हम जाते तो खाली दिखता हमें देखो चाबी दे दिया इग्नोर करते हैं ये सब कैंसर चलते हैं फिर गणेश करके कुक स्ट्रिप चलते हैं आ जाओ ना ना कुछ सीन ही नहीं करना इग्नोर इग्नोर वाला सीन है यहाँ पे खुद नहीं होल्ड कर पा रहे इसलिए तो भाई पुलिस को इन्फॉर्मेशन खिलाया है तो नहीं झेलते कैंसर
तू क्या कर रहा है माइकल? मैं उसके साथ जा रहा हूँ, थोड़ा पैसे पैसे कमाने हैं। अच्छा रॉबरी जा रहा है तू भी? हम्म। कौन कौन जा रहे हो फिर तुम? तीन लोग? आई थिंक हम दो ही है, क्योंकि यू नो इस कैश का थोड़ा जरूरत है इसको। गाड़ी में कर रहे हो? बाइक बाइक बाइक। अगर कुछ सीन हुआ कौन फ्री रहेगा और कौन विलिंग रहेगा? मैं आ जाऊंगा। मैं भी आ जाऊंगा। फास्ट गाड़ी चाहिए, नियॉन रहेगी ना? अरे वो लाऊंगा ना, रेट्रो कस्टम। ओके और मेरे पास भी स्काईलाइन पड़ी है, छतरी की स्काईलाइन ले लिया। रेट्रो कस्टम में कितने सीट है मेरे को पता चला? अबे एक डिक्की में आएगा, एक आगे आएगा। हां डिक्की में, वाह भाई वाह। मेरे पास स्काईलाइन है, स्काईलाइन लेके घूम रहा हूं मैं। दे फिर भी तीन लोग किस जगह रहने चाहिए एक ड्राइवर गिन के? रेट्रो कस्टम एक्चुअली अपग्रेड है ना मेरे को, सिर्फ यही सीन है कि ये गनाई से कौन है बाहर? मुझे पता है पिंकेज वाला लास्ट हुआ था। ये बाहर कौन है बाहर? मुझे पता नहीं, क्लोज वॉच का पूछना तू जाके भाई। ओए गणेश के पास रईस आया, रईस आया। गणेश पे पहुंच रहा हूं मैं। वो रेडियो पे कुछ कॉल आउट दे रहा था वो। हां मैं रेडियो पे, मेरे को छतरी ने बताया रईस आया वहां पे, मैं जा रहा हूं रेडियो वहां पे जा रहा हूं। गणेश जा रहा हूं, डॉग्स छोड़ रहा हूं। जाने से पहले अभी से ही गिन लो कौन है उधर और कौन छे है। अब नहीं सुनो, अभी से ही गिन लो अपन के कौन छे है। अंदर गया मतलब घर के अंदर? हां घर के अंदर गया है वो, कि हाईस्ट रूम में गया जो अपना बंदा है ना वो भी उधर ही था। चीज जाके देख बोल क्या रहा है। रुक जा। और अभी से ही और मन में अभी से ही लगा दो कौन तुम लोग के छे है, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग पांच अभी, लिंकन मैं माइकल मैं और मंकी इधर ही है, और कोई नहीं है उधर ना? उधर पर ये लोग की गैंग भी जा रही है क्योंकि उन लोग के बंदे भी वहाँ पे, उमर लाला उधर है तो ये छतरी ड्रेक वगैरह भी उसको बचाने जा रहे हैं वहाँ पे। उमर लाला को रईस से बचाने भाई, तो दूध मांगने आया होगा, जरा पूछ वापस दूध की कमी होगी। अरे ये किसने नाम बताया? लिंकन उमर ने भाई मेरा रईस नाम सुन के भाई रईस बोला होगा। नहीं मैं मुझे छतरी ने बोला कि रईस है। हां वही लगता है, इसीलिए मेरे को नाम पूछा अभी। तो और मारो एफ। हां भाई मैं और बिजली है ना सिर्फ इधर, एक को पूछ के एक बार। अरे हेलो कौन है? अरे अपन ओके क्या सीन? कुछ सीन चल रहा है यहां पे? अच्छा नहीं रे, वो अपना ही बंदा कर रहा है इधर। अबे अंदर उमर लाल है। हां अपना उमर लाल है। अरे इट्स ओके चिल करो, तुम लोग को करना है क्या? अरे तो उसका हो जाने दो, या तो तुम लोग भी कर। अरे कर रहा है क्या उमर? उमर का हो गया, दूसरे पीसी पे कर रहा है। अरे ना दूसरे पीसी पे मत करना, ट्राई किया है दोनों फेल हो जाते हैं। कर रहा हूं पीसी पे मत करना, सेम टाइम हो गया। देखो क्या हुआ, दो मशीन पिस्टल, दो शॉटगन और एक कौन सा शॉटगन? एसएमजी। सही है, कौन सा एसएमजी? शादी एसएमजी। एसएमजी MK2 मैंने निकाली है बे। अरे एसएमजी अरे एसएमजी MK2 अच्छी है, डैमेज ज्यादा है उसका। मुझे दे दो अगर नहीं चाहिए तो। कार से चला सकते हो? नहीं ये बाइक से चलती है। बाइक से चलती है क्या? उतरो ट्राई मार के देखो। ओ भाई सही, डैमेज बहुत है इसका, लाइक नॉर्मल एसएमजी से। अमरीलो पे हूं, आ जाओ चिल मारते हैं। सही लग रहा है, सही लग रहा है तुम्हारा। हां अभी तो गन सिला के लाया हूं अभी। यहां देखो रुको, दिखा मस्त दिख रहा है ना। अरे दिख रहा है हमें तो। मेरे बाइक पे बैठ के मैं आंखों से देख पा रहा हूं, कब से होने लगा ये? होने लगा, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। रिपेयर किट है तुम लोग के पास? इस वाले पे मार दो। आई थिंक ये कौन है? ये कौन है? नहीं है मेरा क्या है रे, चल ये क्या था भाई, चल ठीक है मत जाओ। इतना से कितना हुआ तेरा? रहो मैं एक एक बार पिंक के चलते हैं क्योंकि लास्ट उधर हुआ था, मुझे सिर्फ उसका डाउट है क्लोज वॉच का टाइमिंग का। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पर तू तो है ही अपना। अरे तेरा मैं बोलता ये नाम रखते स्पैमर रख लो भाई, क्लिक है। अरे क्लिक है भाई, ओ भाई बिजली के बाद तेरा ही नंबर है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, स्पैमर साले। अरे माइकल के लिए नाम मिला है भाई मेरे को। नहीं बिजली के बाद ये आएगा नहीं रे भाई, दिमाग ही नहीं है इसको। मिशेल what the fuck bro,
तू रहने दे रे, तू अपना मुंह यूज मत कर रेडियो ठोक दूंगा। अरे मिशन की भाई रॉन्ग की बोला भाई मेरे को रॉन्ग। मेरा नाम क्या पता है? अरे ये हैकिंग के टाइम पे क्या कीबोर्ड चलाता है देखा है कभी? स्पैमर नाम रखेंगे इसका आज से भाई। टकाटक टकाटक। मेरा क्या रखूं पता है? की फिर रॉन्ग बोल रहा है। एक थर्मेट है चेक भी है ना। हाँ और बेसिक। ओ शिट हो जाएगा। क्या हो गया इताची? तेरे पास है? नहीं लेके आऊंगा, जेब खाली कर दी थी। इताची क्या हो गया? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेलो फिर से। अच्छा हो गया क्या फिर? ओ हेलो हाँ हाँ अच्छा मैं गई भाई। मेरे को नहीं करना ऐसे सीन में भाई। तेरे आंखों में क्या हो रहा था अभी तक? अरे भाई एलियन के एयर किरने गिरे वाइट लाल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया। सिम से बिट फक्ड अप। आंखों में लाल रोशनी आई भाई संभाल के। लेफ्ट राइट मत करना, वापिस से बोल रहा हूँ। लेफ्ट राइट? अरे दोनों पीसी मत करना। अच्छा वो 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 अच्छा। अरे दोनों पीसी मत करना। इसने कर दिया, इसने कर दिया। लेफ्ट वाला पीसी? हाँ एक चाबी गया इसका। भाई बोल रहा हूँ मत करना। कौन किया? मेरे इताची। बोलने के बाद दूसरा पीसी मत करना। और ये राइट वाला है रे, राइट वाला है ये। अबे सब एक ही पीसी से होता है। अरे एक टाइम पे एक ही यूज करने का बोला था कि नहीं बोला था यार? अरे मेरे को पता नहीं था, वो तो खरा था उधर, कुछ कर नहीं रहा था वो यूज। और राइट वाले पे ही चलता था इतने दिनों तक। हाँ एक सेट गया, एक सेट गया। बोलने के बाद तुम ये करते हो यार। पर से भाई कुछ क्या बोले, एलियन अटैक फिर से हुआ था। डर लग रहा है, तू करेगा क्या? अरे सुन स्पैमर, चिप रेडी रख। ठीक है। वो कभी कभी ये खुलता नहीं ना अभी, क्या बोलते हैं? हाँ समझ गया समझ गया। अंदर का काम तू करेगा? यप। ये सब इसमें रख दे, क्या बोलते हैं? तूने एक कम रखा है। ओके माय बैड। ये सब हाथों में रख दे। यप 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 यप। बैठने के बाद ये बैग में डाल देना पैसे, मतलब काम होने के। कौन है पीछे? हां जो घर में गया अभी। ये पीछे का घर किसका है? पता नहीं किसका है। ये वाला ले गया उसको। हां यहाँ पे तो मैक्स रहता है। हाँ फिर छोड़ो यार। यासीन अब कहाँ गए तुम लोग? सीन यही है ना कि मेरे पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, चेस्ट आर्मर। मेरे पास चार जॉइंट है। स्ट्रेस होगा अगर होगा तो तू थोड़ा फूक ले, अगर मन को शांति मिलेगा तो सही चलेगा। देना बाद में या अभी ग्लव में डाल दे। आई थिंक निकाल लूंगा वहां से। अभी तो गाड़ी उठानी पड़ेगी ना बिठाने के लिए, वही टाइम पे उठा लेंगे। पिछले सवाल के इन लोगों ने शूट किया है बाहर। हां टुल्ले आ सकते हैं। गन आउट रहोगे? हां हां मैं देखा था कहां अंदर जाली सी के बाहर। हां ना इनको बोल रहा हूं, इनको गन आउट रहना बाकी के। हां गन आउट है। एक गाड़ी में रहना, कभी कभी डायरेक्ट निकलना ना पड़ जाए। एक बार पिंकेज से होकर जाए। कूल व्हाट द हेल। इसे लुक, मैं थोड़ा पैसे जमा करके आया। नहीं डाल पाया। खुला है ठीक है, यहाँ पे होल्ड करते हैं।
हॉस्टेज उठा के रखना है कि नहीं? बहुत टाइम लगेगा ना वो। ठीक है I don't mind रखने का, पर फिर स्पेसिफिक हॉस्टेज ढूंढना पड़ेगा जो आरा नहीं करे। ना ना छोड़ो, ऐसा ढूंढना मुश्किल है। देखो लगता है पुलिस भूल गई, नजर रखना पड़ेगा भाई, और क्या करें। लिटरली मेरे पास प्लान नहीं, अभी मैं वही सोचता हूँ। फोन के जीपीएस में देखता हूँ कुछ प्रॉपर एस्केप है क्या। सुन, डॉग जा रहे हो क्या? हल्का सा हेड स्टार्ट के लिए ना, अगर हम यहाँ से आए यहाँ से और यहाँ पे ले आए उधर से खुद कहाँ पे, कहाँ पे? अगर हम जहाँ पे अभी बाइक है ना, ये पीछे वाले से ये टेरेस पे ले आए और ये टेरेस से वो उधर जो है हराम, उधर से रोड पे एक थोड़ा हेड स्टार्ट ले सकते हैं। कर तो सकते हैं। अरे पर BMW भी तो है ना, BMW आजकल वो स्टंट मार रही है। क्या बात कर रहा है? अबे ऐसे लग रहा है भाई पुलिस वाले को ट्रेनिंग मिल रही है स्टंटिंग वंटिंग की, समझ रहे, इतना बड़ी बाइक के साथ। हाँ ऐसे फीलिंग का आ ही रहा है। साले हम वो दिन कर रहे थे भाई बाइक के साथ एक स्टंट किया जो हमने प्रैक्टिस किया बहुत भाई। हाँ। बाइक वाला भी भाई जो वही स्टंट कर रहा है एकदम एग्जैक्ट। वाह भाई, ये भाई ए बिजली, एक बार गाड़ी में बैठ जा तो फिर मेरा हेल्प हो जाएगा। ना रुको, दो मिनट में हो जाएगा, कोई नहीं यार। हेलो मंकी, आओ कर रहा है दो मिनट में। कोई मैं ब्रॉक्स पे जा रहा हूँ। कोई यहाँ पे वेला बैठा है क्या? बोल, पुलिस को बोलना था बैंक क्लोज करने के लिए। अगर कोई वेला बैठा है तो कर लो, नहीं तो चलेगा। मैं बोल देता हूँ उनको, रुको ना फोन लगा। डॉग जाओ क्या? मैं भी बोल। हाँ जाओ, नहीं तो उन दोनों को लेके आओ, मैं घूम रहा हूँ आसपास। क्या जीपीएस दे रहा हूँ फोन पे, जीपीएस दे रहा हूँ, वहाँ पे पॉइंट्स लगा दे तेरे जीपीएस पे। क्या व्हाट द फक, गाड़ी लॉक हो गई, बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। लॉल, एक सेकंड, ये फोन पे जीपीएस दे रहा हूँ तेरे को। यही स्काईलाइन। हेलो, हाँ इताची किधर? अच्छा ऐसा बता रहा है, इधर हूँ मैं डॉक्स पे। बता, फोन पे जीपीएस बोल पाएगा, इंस्ट्रक्शन दे पाएगा ठीक से, या आजा तू खुद इधर। हाँ आ रहे हम लोग, आजा आजा, कोई नहीं है, मैं घूम रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं जीपीएस, दे रहा हूँ फोन पे तेरे को। हाँ ठीक है, पता नहीं जब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मेरा फोन का कुछ इशू है यार, मेरा साउंड ही नहीं आ रहा है, साउंड फुल है। नया फोन खरीद, हाँ खरीदना पड़ेगा शायद। okay, किसी के पास रेट की है, अगर ए बोलूंगा ना तो ये कर देना, जो ऑलरेडी मेरे पास 1% है। अब क्या दिख रहा है तेरे को जीपीएस में? एक सेकंड, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, वही है ना, वो ए पॉइंट मार्क कर दे जीपीएस में तेरा, आता ना मार्क करने आता ना।
मैं देखो मैसेज अरे नहीं नहीं आता है बात कर लो सॉरी हेलो हेलो अरे एंटर एंटर फ्लेक्स करना फिर से बात कर उधर अरे टैब मसल फ्लेक्स करना है वहां पे हां हो गया एक गया क्या बिजली ये जब मैं ए बोलूंगा ना तभी ए ए पे लेना ठीक है और अभी एक दूसरा मार्क कहां है ये बी बोला तो यहां ले लेना कूल इधर आ जा इताची ओरिजिनल पावर प्लान ये है अगर मार्क गलती से हट गया तो यहां पे लगा देना ये एक्चुअल प्लान है इतना इजीली कॉप्स तो जाने वाले है नहीं ये बाइक देख के पता है मेरे को ओके एक्चुअल प्लान ये है ठीक है कॉप्स बिजी है क्या कुछ सीन चल रहा है क्या हेवी रिवॉल्वर एमके2 लेट्स गो गाइस नाइस नाइस का उसका अच्छा फुल यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो मेरे को दे दो बिल्कुल कर ले किधर जाना है अब यहां पे पिल बॉक्स के आसपास बहुत गोली चल रही है कॉप्स क्या क्या सीन है कॉप्स का कॉप्स बिजी है क्या सीन चल रहा है क्या पता नहीं बैंक भी खुल रहा है पूरा ऐसे मसड़ मचा के रखा है यहां पे बंदर तुम भी लकी हो बे बिजली आओ एक और मुझे लगता है एलियंस को संभाल के भूल गए क्या ये बनता है मॉड प्लीज ऐसे मॉड थोड़ी बनाता हूं क्या रहा हूं सेट एक लोग एक काम कर नीचे चल फिर से ऐसा ना हो कि एलियंस की वजह से मुझे खुला दिख रहा है और आई डाउट अरे इतने सारे बैरिकेड वो सब तो हटा ही देते ना ये बात तो सही है मेरे को लगता है अभी हुआ नहीं तो जस्ट फ्रेश नहीं ये तो मैंने कब का देखा यहां पे हो रहा था कब का क्लोज है ये तो अंदर नहीं जा पा रहा मैं अंदर गया अंदर जाके आया हॉस्टेज क्या बोल रहा था हॉस्टेज क्या बोल रहा था हॉस्टेज एक और सेट लेके आ रहा हूं एक और करना कौन हॉस्टेज भाई इधर हमारे तोहफा है क्या उसका नाम है हॉस्टेज अच्छा तोहफा दे दे हमको फिर बे बाइक से हेलो हेलो ओ भाई बाइक से भाई एक नंबर है बे आंखों से कोशिश मत कर अभी के लिए क्या पता गाड़ी डैमेज है क्या नहीं आई डोंट थिंक सो पर तू देखो ज्यादा पता बाइक के बारे में आई एम नॉट श्योर मैकेनिक है ना हां मैं चेक कर सकता पर ठीक नहीं कर सकता प्लान सी के लिए व्हाट टाइम अरे फक ये क्या है कोड रेड हुआ है यहां पे सीन हार्ड लग रहा है मेरे को तो सामने आगे पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है क्या नॉट आई डोंट थिंक सो वो ब्लैक कलर की नहीं पुलिस ऑफिसर की है क्या लग तो रहा है भाई हेलो अरे निकलो से व्हाट द भाई अंदर मैं समझा नहीं हां क्या हुआ भाई पिल बॉक्स के बाजू से क्या चल क्या रहा है ये पता नहीं पिल बॉक्स के बाजू से गोली लग रही है कौन भाई तुम्हारा भी सीन है क्या नहीं नहीं मैं तो भाई देखने आया हूं वो कौन हो तुम भाई पिल बॉक्स के बाहर से अरे मैं थिंकर अरे ओ थिंकर भाई बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रही है क्या बात कर रहे हो पिल बॉक्स के साइड से कौन गोली चला रहा है ये मेरी नहीं है पता नहीं ऑफिसर चला रहा है क्या लग दो वागोस वाले ने पता नहीं भाई येलो पेन के मारा ऑफिसर चूतिया तो नहीं बना इनको कोई और भाई पिल बॉक्स के अंदर से गोली चलाई किसने तो अभी जस्ट आंखों से देखा ना ना अब ये गिरेगा हट जा ये गिरता है ये गिरता है बोल रहा है भाई भाई हेलो एक और करनी हेलो बिजली इसको मुझे बनाना था पर फिर ये थिंकर निकला तो नहीं बना पाया अरे निकलो ना ऐसे तब तक इनका ये होने दो हम गलती से हमें गोली लग गया हम कर लो
तो बिजली बिजली रिस्पांस क्यों दे रहा है? What the hell? ओए बिजली क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है बस भाई रिस्पांस दिया कर भाई आ जा एक और करना है बिजली हेलो मैं एक गाड़ी छोटी कर लेता हूँ हाँ वो खुद का ला रहा है और तुम्हारा भी कर देगा आ रहा है आंटी जी को नहीं जाना था बुरा लग गया और नशेड़ी अरे हाँ हाँ अच्छा हुआ तूने भी चेक कर लिया रॉकेट इज इन वागोस ओसी यस भाई बंदा बोलता बैक द फक ऑफ बिफोर आई कॉल द कॉप्स बे लिटरली जेले बंद है ना हां हां आ रहा था क्या ऑप्शन अरे तेरे को खुला दिख रहा ना दैट इज द मेन थिंग हां हां जो शेयर ना ऐसा वाला सीन है मैं छोटा गाड़ी लो हॉस्टल छोड़ हॉस्टल उधर आ जा ले ले हाँ भाई पिल बॉक्स संभाल के जाओ वो गोली वाली चल रही है यहाँ पे बोला था भाई वो येलो वैन से दूर रहना वही वैन वहाँ पे पड़ी हुई थी बंदा सीन चल रहा वहाँ पे एक कैमरो येलो कैमरो से गोली चला रहा था कोई पिल बॉक्स के अंदर के पार्किंग लॉट है ना वहाँ से What the fuck? हाँ हाँ मजाक थोड़ी आंखों से देखा मैंने और सैम ने बिजली यहाँ पे एक कमेरो गई है थोड़ा देख के ना बिजली हेलो बिजली हाँ रहा है सुन स्पैमर फटाफट हॉस्टेज बना के रुकते बैंक में यप कॉपी मौके का चौका मार देंगे बच्चा पार्टी लग रही है पर मेरे को तो पुलिस को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा पीछे हॉस्टेज हो क्या हाँ 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 ये कौन है गाड़ी में ये वाली तो मेरो ये वाले कौन है कोई अंदर है कौन है इसमें कोई हो क्या अंदर अपने गैंग का हॉस्टेज तो बताओ हमें चाहिए एक बंदा है जल्दी आ जाओ किधर लोकेशन नेक्स्ट वो इताची क्या कर रहा है इधर आ रहा है ये कौन है और एक बंदा आ गया गन बहुत बहुत बंदा है रे बहुत बंदे तीन चार है ये ड्रेक है ड्रेक कोई अननोन है उधर बताओ जल्दी अननोन अरे बहुत बंदे है रे नहीं ले जा पाएगा तीन बंदे अंदर है शायद ठीक है सारे अपने भी अंदर तीन बंदे ठीक है ठीक है ठीक है बिस्लरी किधर है बिस्लरी बिस्लरी हेलो अरे हाँ बोलो लीजन पे थे हम देख रहे थे हम मतलब मेरा क्या आजू बाजू अरे हमारा एक्सेंट है ऐसा हम मतलब कौन हम ओ अच्छा भाई सॉरी सॉरी हेलो अरे आप गाड़ी का आ गया है अकेले हमारा हमारा बाइक सीन मिला क्या हॉस्टेज नहीं ढूंढ रहा अबे चार लोग कन्वीनियंस स्टोर पे है पता नहीं कौन है वो ये हॉस्टेज हॉस्टेज कौन कर रहा था कहाँ है हॉस्टेज जरा बताना ये क्या मेरे साथ है लोकेशन अबे नाम है वो उसका नाम है क्या हाँ तुम ऐसे तड़पाओ मत ना हॉस्टेज हॉस्टेज बोल रहे कब से भाई अरे तो उसका नाम है ना अब मुंह में पानी आ रहा है अरे वही ना नाम उसने लगाया करके आ सकता
कहाँ है रे एक 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 बाइक पिलबॉक्स के पास गया लीजन की तरफ वहाँ पे पता नहीं क्या कांड चल रहा है वहाँ से दूर रहना भलाई है ए हॉस्टेज तुम्हारे कितने सेट है बस अभी दो और बचे ओ भाई हेलो ऐसे जिगजैग मत चलाओ भाई ऑलमोस्ट थूक दिया तो भाई हेलो ठीक हो आई एम फाइन लीजन के बाहर काउंट होता है ना आई एम नॉट श्योर सर आई एम नॉट डूइंग इट भाई दिमाग चिपको दो बाइक है राइट की लेफ्ट को फॉलो कर मैं इसको टेल कर दूं भाई के हेलो ओए दिमाग दिमाग चिपको दिमाग चिपको अरे सॉरी क्या है आपका नाम अरे रॉक 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 स्मिथ हम रॉक स्मिथ रॉक स्मिथ रॉक स्मिथ अच्छा क्या करते हो नए हो क्या पहली बार सुन रहा हूं ये नाम अरे हां नए हैं थोड़े क्या करते हो सर मैं अरे कुछ नहीं सर स्टूडेंट है स्टूडेंट कितने पढ़ाई करते हो क्या पढ़ाई करते हो अरे सर एलएसपीडी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो यस सर सर देखो इतना लाइक इंस्पिरेशन है सर देखो पुलिस का ही हेलमेट पहने हुए ये अच्छा भाई ओपी 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 अभी क्या कर रहे हो अभी कुछ नहीं सर घूम रहे हैं पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करके थक गए तो ऐसे ही थोड़ी सैर करने चले गए कुछ नहीं कोई दोस्त वोस्त है क्या शहर में नहीं नहीं सर ज्यादा कोई दोस्त है ही नहीं अरे 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 सारे पुलिस ऑफिसर हैं बट सब ऑफ ड्यूटी हैं कुछ कर ही नहीं सकते हेलो सैम सर साइड में ही बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग रूम में आया आ जाओ हां ठीक है सैम को धर लिया शायद किसी ने बैकअप चाहिए यहां पे कहां पे ओके ना रुक जा कौन कौन है आपका दोस्त अच्छा अभी हाथ ऊपर कर लो यार सॉरी गाड़ी पार्क कर ले फिर चलेगा यहाँ पे लॉक कर दो नहीं कुछ नहीं होगा हाँ ठीक है हाथ ऊपर कर लो सर खाना वाना ले लेना सर थोड़ा कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं एक भी चीज नहीं लेंगे नहीं नहीं ओए निकलो बाइक वाले ले लेना आपको ये कह रहा हूँ मेरा लाइक क्यों अरे मतलब खत्म मेरा मेरे को भूख लग रही है वैसा बोल रहा हूँ मैं वही लेने भी जा रहा था ओ अच्छा टेंशन मतलब पट से हो जाएगा लीजन ना 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 लाइफ लाइफ हाँ सॉरी आई मेंट दैट एक सजेशन दो सर हाँ सर बताओ ऐसे किसी से बात मत करो रोड पे बोला ही होता है चल में कोई नहीं सर भाई बंदा वहाँ पे फोन खोल के पुलिस को मैसेज कर रहा था शायद सही है भाई टेंशन मतलब आपको थोड़ा भी हाम वाम कुछ सामान कुछ नहीं जाएगा टेंशन मतलब कुछ इलीगल है जिम में सर कुछ है ही नहीं ना सर वही तो बड़े स्टूडेंट है सर कुछ करते ही नहीं अब तुम जैसे लोग पसंद हो मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं भाई हम ऐसा ही है कुछ टाइम पास कर रहे हैं स्टूडेंट है ये है वो है और भर भर के कोकेन बेचते हैं नहीं नहीं सर देख लेना पॉकेट में कुछ फोन रखते हैं क्लोज पेट्रोल पंप कौन सा नॉट श्योर किधर वाले सर जा रहे हैं हम लोग और अब देखते हैं सर हम यही जहाँ पे आपको जॉब वॉब मिलता है ना थर्ड बंदा गाड़ी रेडी रखना जो भी है फोर डोर अच्छा लाइफ इन्वेडर अच्छा ड्राइवर होना चाहिए भाई डोर वोर खुले रेडी रखना चाहिए कौन रहने वाला है जस्ट इन केस भाई फिस्टर से तो फोर डोर थोड़ा सर बट पुलिस है नहीं शहर में क्या बात कर रहे हो फायदा क्या टेंशन मत लो अगर 5-10 मिनट में नहीं आए तो मैं छोड़ दूंगा कोई नहीं हमने देखा था तब था इसलिए हम ओके कोई नहीं अरे मैं गया देखने मेरे को भी नहीं मिले ठीक है मैनेज करेंगे हम दोनों और क्या ये बोलो तो चलो अंदर आ जाओ चार लोगों का कोई गाड़ी नहीं है क्या किसी का खरीदा कहां है रे तू अरे सैम अंदर अंदर आ जाओ
हॉस्टेज क्या मिला तेरे को? खुल रहा है एक, अरे रेडियो चेंज कर। अरे सुनो, हेलो कौन से पे आना हमको? ये हॉस्टेज ना, हेलो नंबर वन। हाँ बोल बोल। ये हॉस्टेज मुझे बोल रहा है कि ये स्टूडेंट है, ये मतलब पुलिस का एग्जाम देने के लिए क्या मिला हॉस्टेज? और शायद से शहर में पुलिस ही ना हो, हम देखेंगे 5-10 मिनट। कोई नहीं। क्या मिला पर वो तो बता। मतलब जो गाड़ी जाती ना चलाने वाली, रॉक स्मिथ। यस सर। ओके तुम पुलिस बनना चाहते हो? हाँ सर बनना तो चाहते हैं। बात तो सही है, बहुत ही क्रिमिनल्स आ रहे हैं अभी देश में, क्या ही बोले। अरे आपको घुटने पे कौन रहने बोला? बैठो आराम से। नहीं सर पूरा कॉर्पोरेट करेंगे सर कोई। हाँ ना, अरे जमीन पे बैठो ना तुम, लाइक आराम से, लाइक बे। हाँ क्या हो गया? चिप लॉक नहीं बे, हम लोग तुम लोग डिस्टर्ब करोगे ना इसलिए मैं तेरे को दे देता हूँ जस्ट इन केस। और बग तो थी नीचे वहाँ पे, बैंक हिट कर रहे हो और क्या। आप तो हवे में बैठ रहे हो मेरे हाथ में, कोई खड़ा ही हो जाता हूँ ना। ना आप नीचे जमीन पे बैठो ना आराम से, यहाँ पे क्या बोलते हैं ये क्लीन होता है हर बार, वैक्यूम क्लीन होता है। हम आपके नोटिस किया था ना जब प्लान कर रहे थे ये बैंक लूटने का, तब आके देखा बहुत ही क्लीन कंफर्ट जोन है यहाँ पे। कोई नहीं सर। हाँ तो तुम अभी पुलिस बन गए कि क्या सीन? नहीं नहीं सर, फॉर्म भरा है सर। फॉर्म भरा है क्या? रिजल्ट्स के वेट कर रहा हूँ। इंटरव्यू नहीं लिखवाया क्या तुम्हारा? नहीं नहीं कुछ नहीं सर, जस्ट पढ़ाई कर। होता तो है सर, सब पता नहीं होगा या नहीं होगा, पास्ट एक्सपीरियंस है थोड़ा, देखते हैं। कुछ इन्फो है तुम्हारे पास? किसके बारे में बताइए? पुलिस के बारे में कुछ? अभी तो आज तो पूरे दिन भर मेरे को दिखी ही नहीं पुलिस, जब मिलने गया एक रॉबरी हो गई, उतने दिन में बात ही नहीं हो पाई। बस इतना मेरे को पता है, शायद ओशन सर थोड़ा हुलिया बदल के घूम रहे। कैसे दिख रहे वो? अब वो उतना मैंने सुना है उन। अच्छा। अब उसके आगे तो मेरे को पता नहीं। क्या तुम दोनों बेड पे गप्पे मार रहे हो? तुम तो भाई स्टूडेंट हो, तुम्हें इतनी अच्छी इन्फो दे दी वो लोग ने भाई, सही बात है तुम्हारा। अरे तो लगता है हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं नहीं, ओशन सर ने हमें अपना लाइक ऑफिस दे रखा है, क्योंकि हम जब भी बाहर घूमते ना, कल तो हम दो बार किडनैप हो गए, तो ओशन सर ने बोला तुम मेरे ऑफिस में ही बैठ के पढ़ाई कर। ऐसा भी है क्या? डैम, मतलब आज आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है अगर ओशन सर ने बोला है। कुछ सिखा दो मैं पुलिस के, कुछ नॉलेज दो सर। क्या जानना चाहते सर? गन तो नीचे रख दो सर, डर आ गया। ना ना ना, अरे बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसा हम दिखाते हैं यू नो, डराने के लिए। ट्रिगर पे यू नो डिसिप्लिन है हमारा, ट्रिगर डिसिप्लिन। ओके 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 सर। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है लाइक पुलिस वाले के। क्या जानना चाहते हो सर? मेरे को मैंने रटे हैं, अब हैं तो नहीं, बुक होगी उनकी। ओह बट उसमें सर मोस्टली 10 कोड्स वगैरह ही होंगे। आप कोड बता, कोड बताओगे हमें? हाँ बता दो ना। बता दो कौन से जानना आप? सारे 10 कोड्स, मतलब सारे 10 10 का कोड्स और क्या? देखो सर मेन बता देता हूँ आपको, जो जानना होगा अभी आएंगे बोलेंगे कि 1090 हो रहा है, वो तो नॉर्मल रॉबरी वाला ही है। मतलब स्टोर रॉबरी? 1090 मतलब क्या? 1090 एनी काइंड ऑफ रॉबरी एक्टिविटीज। ओके इट्स 1090। और आगे मतलब वही बोलेंगे, इट कैन बी अ लाइक 1080 सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट, जब आप चेजिंग बच जाओगे। ओके तो तुम बोल रहे हो कि 10 कोड है, मतलब 10 नहीं 20, नहीं 10 कोड्स 10 नहीं, ऐसा नहीं है। 10 कोड्स मतलब उसको समराइज करके बोला जाता है। है तो बहुत सारे कोड्स, लाइक मोर देन 100 कोड्स हैं सर। ओ भाई पुलिस इसलिए हमारे इसके बाहर है भाई, पढ़ाई में मायर रहते हैं भाई, ये थोड़ी करते तुम। सर अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो पुलिस क्या करेगी फिर? आप लोग भाई तुम हमें खुश तो कर रहे हो पर अभी क्या ही बोले भाई, क्या बोलूं मैं अभी। और क्या बताओ जरा, कोड वोड बताओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट और बताओ कुछ। सर यहाँ इस शहर की पुलिस के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे को भी वैसे ठीक लगता नहीं इस शहर की पुलिस, कुछ भी करते हैं। और आप बनना चाहते हो? मैं अभी लाइक पता चला क्या जब अंदर जाके? हाँ नहीं नहीं, हमें एक हमारे लाइक आप ही अच्छे ऑफिसर हैं डैजलर और एनिग्मा, उन्होंने हमको कुछ चीज़ें बताएं
क्योंकि तो वो उस समय समझ गए कि यहाँ का कुछ अलग ही है काम होता है। क्या पता वही ऑफिसर अलग हो तो। नहीं नहीं सर, सर उनको हम जानते हैं, मतलब थोड़ा तो भरोसा करते ही हैं। बात तो सही है। क्या नाम बताया था तुमने? रॉक स्मिथ। रॉक स्मिथ। ये तुम्हारा तो भाई लगता है क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्री स्मिथ था? या अरे सर मेरे पिताजी भी एक एक्स पुलिस वो कोडेड सिचुएशन में मारे गए सो। अरे भाई साहब। मैं उनके काम का बहुत बड़ा फैन था सर, इसलिए तब मैंने भी लाइक दूसरे शहर में ज्वाइन कर लिया था पुलिस फोर्स, बट गाइस कितने लाइक्स आ यार, चल देखते हैं। फैमिली इश्यूज के कारण मेरे को वो छोड़ना पड़ा और कितने लाइक्स हो गया, मॉम के साथ आ गया। अरे भाई साहब। तो बस अभी वो फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, बस 23 लाइक्स गाइस, ये क्या है? शहर की पुलिस में कुछ भर्ती हो जाए। सही बात है। एक्सपीरियंस कितने साल का है तुम्हारा वो दूसरे शहर का? सर वो दूसरे शहर में तुम कमिश्नर थे सर। पेपर वेपर लेके आओ ये शहर में, दिखा दो, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। सर मेंशन तो किया है सर फॉर्म वगैरह में, बट देखते हैं सर। सही है, सही है। और तुम्हारे लाइक रोल मॉडल कैसे मारे गए? कौन? लाइक डैड? कोडेड सिचुएशन में सर, सर हुआ ऐसा था, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल। मैं नहीं, नहीं नहीं सर, मैं तो तब छोटा था ना सर, 15 साल का था, तो पुलिस में नहीं दे पाया। हुआ क्या था सर, ऐसा कि रॉबर्स बहुत क्या ही बताएं, ऐसा चोरी करके भाग रहे थे, तो एक एंड वही चेजिंग सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई। मेरे डैड अकेले थे जिनके पास विजुअल्स थे, ही वाज ऑन बाइक, तो और रॉबर्स थे 3 से 4, बट डैड ने लाइक क्या ही किया कि जब वो उनके पास पहुंचे, सामने वाले रॉबर्स की गाड़ी ठुक गई, तो सारे रॉबर निकले और एक साथ डैड को बिना टाइम दिए उनको वहीं पर गोली उनके ऊपर चला दी गई। कोई स्ट्रीम पे है क्या? डॉक्टर बता सकता है? इसका आवाज आ रही है, बट क्या ही बोलूं, आई डोंट नो यार, क्या करूं मैं। बहुत ही डीप स्टोरी थी। और फिर तुमने अभी जाके लाइक पता लगा है कि अभी वो कहां है बंदे? नहीं सर, सर वो तो लाइक कैंसर से मर गए वो लोग। मर गए वो लोग? अरे नाइस सही बात है। अरे क्या हो रहा है, ये सेफ क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कोशिश कर रहा हूँ यार, 5 मिनट में अगर नहीं हुआ मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है। तो सही है। सिक्योरिटी कैसे नहीं खुल रहा ना कुछ? अब अभी तक मैंने तुम्हें हैकर तुमने बोला तुम अच्छा हैकिंग करते हो। अबे यहाँ पे 420 कोड्स डालना पड़ता है, मैंने 220 डाल दिए है। अरे मैं तुम्हें अभी चेक कर रहा हूँ ट्रैकर वैकर के लिए, अभी थोड़ा डर लग रहा है तुम्हारे स्टोरी वोरी सुन के। नहीं नहीं देख लो सर, कोई कुछ नहीं, आराम से कुछ नहीं रखते सर हम, लाइक नॉर्मल बस एक गार्बेज कलेक्टर का जॉब कर रहे हैं यहाँ पर और पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, एक हथौड़ा मिल जाएगा मुश्किल से। बात तो सही है। तो भाई एकदम ये लग रहे हो सच्चे बंदे लग रहे हो। इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं? मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब लेथल वेपन ऐसा कुछ? अच्छा भाई कुछ हो भाई बेचारा। एक हैमर है आई थिंक, ये थोड़ा काम वाम करता था बोल रहा भाई। इतने अच्छे कब से मिलने लग गए रे भाई, हमें पता है हमें लोग धमकियां वमकियां देते थे ऐसे पहले, कोई नहीं लेके जाते थे ना, अभी क्या ही बताए। अरे सर हम खुद आपको बता रहे ना, हम इस शहर में आके हमने कुछ ज्यादा ही कुछ देख लिया है। अरे भाई अभी अभी सीन ऐसा है ना, लोग गन से नहीं डरते भाई, शहर से डरते, क्या ही पता है। ओए नंबर वन आके एक बार तुम भी देख लो, तेरे को देखो कुछ दिख रहा है क्या? क्या वाह भाई, मतलब अभी तक आया नहीं है मेरे लिए, मतलब ऐसा कुछ रहेगा पता नहीं यार, वो जादू नहीं होना चाहिए। पुलिस ज्यादा ही बज रही है अभी आजकल, क्या बोलूंगा। ठीक है फिर 3-4 मिनट लेते हैं, टेंशन मत लो, अगर नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे आपको। कोई नहीं सर, कोई नहीं है, कोई नहीं।
सीन चल रहा है। रुक मैं लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मेरे पास हथौड़ा ले लो। अरे हथौड़ा है मेरे पास देखो। अच्छा अच्छा सर, बट आपके हथौड़ा मारने से हो जाएगा क्या? क्या पता, सब कुछ कोशिश करने लगा। लेके आ रहा हूँ वेल्डिंग मशीन, लेके आ रहा हूँ। हाँ ले आ, ले आ, ले आ। हाँ ले आ, थोड़ा दो मिनट लगेगा, दुकान दूर है थोड़ा। आप अभी कुछ कर रहे थे? ओए आपका नाम भूलते चलता हूँ, पर आप कुछ अभी कर रहे थे? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बस सर खाना लेने जा रहा था। आपको कितना भूख लगा, कितना भूख प्यास? सर खून निकलना चालू हो गया बट तेरे पास, तेरे पास सुन भाई बहुत खर्चा है इसका, इसका पैसा लूंगा मैं। एक और हैंडकफ है तेरे पास? सुन सुन मेरे पास ना ना, अरे सुन मैंने पोर्टेबल ये लाया है पर इसका खर्चा बहुत लगेगा, अगर नहीं बुला तो तू देगा मेरे को? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हिंजेस पे ट्राई करता हूँ मैं अभी काम। हाँ ठीक है, भाई लग तो नहीं रहा कुछ हो रहा है, पीछे ध्यान रख के निकल जाएगा भाई। आई डोंट थिंक हॉर्सेज निकलेगा, आई डोंट थिंक सो। बात तो सही है पर अभी हमें, हाँ बात, हाँ पता है, समझा है, समझ समझ। जब तक मतलब देख भाई पावर नहीं इसकी, इसकी अगर स्ट्रेंथ है ना कि ये निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो ये बैठा है, कुछ सपोर्ट नहीं है, सिर्फ पैर से उठना पड़ेगा, तो मतलब थोड़ा तो पैर इतना ताकतवर रहना होगा भाई। काबिल काबिल लग रहा है ऐसे में? हाँ वैसे हाँ काबिल तो है ना, इसलिए पुलिस में पढ़ाई कर रहा है भाई। कुछ हो नहीं रहा बे, लास्ट एक बार पैसे वेस्ट। चल लास्ट लास्ट एक दो मिनट में कोड हैक करता हूँ, एक कोड गलत आया था शायद से, इसलिए सर इससे बेटर स्टोर रॉबरी कर लो मेरे को, लाइक एज ए हॉस्टल बना के वो बेटर। वो उससे बहुत कम चीजें मिलते हैं, आप चिंदी काम नहीं करते तो सर ये ना होने से अच्छा कुछ तो हो जाएगा। नहीं अरे ये बैंक में इतनी सदियों से प्लानिंग किया था हमने, आपको पता है आधे ऑफिसर्स का बैंक अकाउंट ये बैंक में है। सही है, टेंशन मत लो, दो मिनट दे दो नहीं तो। कोई नहीं कर लो आराम से। अरे आराम से की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो मतलब भाई जरा कॉन्टैक्ट्स घुमा रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ सर अगर हाथ खोल देता तो बुक ही पढ़ लेता मैं। मैं वो मुझे चलेगा पर फिर समझ लो वो एक और हैंड कितना कितना है आपका? अरे मेरे पास कुछ नहीं है सर, क्या कहते हैं गन वन कुछ नहीं, मैं नहीं पर अबे वो पुलिस बोलेंगे समझ रहे हो? कोई नहीं अरे पुलिस बोलेंगे तुम मिले हुए समझ रहे हो, तुम हैंड कफ नहीं रहोगे तो। आपका कितना है, आपका अभी कितना हुआ है वो बताओ? नहीं अभी मोस्टली 80 कॉन्शियस हो रहे हो क्या तुम? हाँ हाँ इसलिए। अरे ठीक है और दो मिनट रुकेंगे और क्या, तो यू नो अगर हुआ तो ऑफिसर्स को बोलेंगे हम कि इनको यू नो खोल के वंस अंदर आके ये करो। भाई क्या है भाई, मजाक चल रहा है, बहुत हो रहा है रे पुलिस वालों को। हेलो अरे जरा यू नो पूछ क्या क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं। अरे यहाँ पे ये हॉस्टेज ऐसे बैठा हुआ है और पुलिस वाला आ ही नहीं रहा भाई। बैंक मैनेजर अरे सुन हॉस्टेज पे थोड़ा ध्यान रखना, मैं पिंकेज जाके आ रहा हूँ। ठीक है फिर, अगर तू एक काम कर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, एक हैंडकफ भी ले आ, इसको निकाल के इसको खाना दे दूंगा मैं, है मेरे पास बेचारा अच्छा है। मालूम पड़ा कि भाई पुलिस आने नहीं वाली जिंदगी भर क्या। हाँ तो फिर मैं छोड़ूंगा ऐसे ही टाइम पास, मतलब छोड़ूंगा सीधा। मैं थोड़ा अभी रुक जा वहाँ पे, मेरे को बंदे मिलने वाले पिंकेज पे बात करके। अगर बाय चांस हुआ तो मैं खोल दूंगा तुरंत आ जाना। सही सही हाँ
आपके कोई दोस्त नहीं है क्या शहर में अभी तक? सर सारे पुलिस वाले ही दोस्त बना रखे हैं, क्योंकि उधर ही बैठे रहते वरना उठा लिए जाते हैं। जैसे आज आज कोई पुलिस वाला था ही नहीं, तो अकेले बोर हो रहा था तो घूमने निकल गए। अच्छा ओह, हमने जाके एक बैंक देखा, वो बैंक खुला था हमारे लिए, तो हमने सोचा वो यहाँ पे ही सुरक्षागिरी कर रहे हैं, नहीं तो हम उठाते नहीं ना, क्योंकि हमें सर पैसे की जरूरत है आपकी जान को। कोई की नहीं सर, कोई नहीं सर, मेरे कोई इशू नहीं है, कर लो अपना काम। तीन चार और मिनट रुकना, अगर आपको बाय चांस लेट होता तो बता दो, क्योंकि आप जैसे हॉस्टेज कम मिलते हैं शहर में जो ऐसे मतलब कॉर्पोरेट और अच्छे हैं, समझ रहे हो? तो अगर कुछ काम है बता दो, निकल जाएंगे, टेंशन नहीं है थोड़ा भी। मेरा जो 50% बचेगा खून तो मैं आपको बता दूँ, टेंशन मत लो, मेरे पास बोल कटर है और खाना भी, आपको खोल के बोलूँगा खाना खा लो। पता नहीं आजकल पिलबॉक्स बड़ा चंदी हो गया यार, खाना ही नहीं खिलाते पहले तो बोल। मेरे को ना ऐसे लग रहा है क्लोज ही नहीं हुआ है। हम लोग चेक कर रहे हैं बैंक। अरे पर सीन ऐसा है कि यू नो कैसे बताऊं मैं अभी। हेलो, हां सॉरी सॉरी, आपने क्या बोला? सॉरी, बैंक रॉबरी करने। अरे सुन सैम, क्या सीन है? एक सेकंड, अभी तक नहीं आया है, पता नहीं। हां क्या बोल रहे सर? बैंक रॉबरी करने से मिलता मतलब आपको पैसे कितने मिलते? सुन तेरे को ही बैंक खुला या बंद दिखेगा? क्या कर रहे हो सर? तूने लास्ट टाइम देखा था खुला था ना? यप, आप पुलिस बन रहे हो, मैं आपको बताऊं कितना स्पीड पे चेक कर गया और मंकीज को कवर देना वहां पे जाके। पिनकेज बंद है? हां अरे वो ही बे, तेरे को बाद में बताता हूं माइनस कितना जाता जो शहर में पहले से रहा है। करीबन 20 पकड़ लो अप्रोक्स 30, मगर मतलब मान लो पिनकेज वाला खुला है क्या? दो बंद होता हां, पर लोगों को दिखेगा नहीं। और अगर आप पकड़े गए ऑफिसर को बोल के देख सकते हो तुम। कितने का फाइन देते हैं आपको? 2000। कोई था पहले से शहर में? कोई है? हां छोड़ना है क्या करना? कोई ऑप्शन नहीं है ना, फिर छोड़ देते। माइकल आने वाला है क्या इधर? क्या खुला था क्या? ये सीन क्या, मैं कंफ्यूज हूँ। देख लो ना तुम, खुला नहीं, हमको तो दिख नहीं रहा खुला। अरे सुन मैं चाबी दे रहा हूँ, तू देख क्या जल्दी। हाँ ठीक है। सुन ना पुलिस वाले को बोल पिंकेज बंद नहीं हुआ। भाई हमारी आंखों में बंद है ना? क्या बंद है? बैंक या वॉल्ट? मेरा है ना, अरे जो ज्यादा देर के लिए देश में रहा है उसको पता ही रहेगा मिला कि बंद है, ये चालू है, वो आ रहा है अभी पिंकेज, उसको कवर दे देना ठीक है। मैं सोचा एक बार ट्रेन पर ए सुन ना, हैंडकफ है क्या? हैंडकफ है तो ला, और बोल्ट कटर भी चाहिए था। है बोल्ट कटर है मेरे पास जिम में। सही है सही है, हैंडकफ दे दे इसको, बाद में पैसे दे देगा। यप, बिजली सुना क्या? क्या बोल रहा है? मुझे हैंडकफ दे दे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। ओके, क्योंकि इसका अभी खून जा रहा है, थोड़े ये लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ एक बार मैं ट्रेन पकड़ के वापस आ जाऊँ? क्यों पागल है क्या? बंद हो जाएगा शायद। क्या क्या शायद से बंद हो जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, खुला है मेरी आंखों में। हाँ खुला है क्या? ना हैंडकफ देना, हैंडकफ देना। हाँ 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 मेरे लिए खुला है। हाँ फिर इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। एक मुझे कुछ वापस आने दो। अगर बंदी नहीं हुआ तो समझ रहा, और ज्यादा टाइम लगेगा। चलो डाल दिया, एक सेकंड रुको मुझे आने तक। क्या पहले आने तक रुक जा, फिर छोड़। हाँ वैसे भी कटर मेरे पास ही है। लॉल चल छोड़ने के पास चल। क्या बकचोदी है यार पुलिस वाले।
मैं बता रहा हूँ हमारा नसीब ही है, जब आसानी से बाइक मिलती है, आसानी से इतना अच्छा सा हॉस्टल मिलता है तभी। छोड़ एक लास्ट बार बस चेक करता हूँ। अरे ब्रो इट्स ओपन बैंक। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। अरे जो लोग शहर छोड़ के आए हैं ना ऑफिसर्स, उनको भी लगा रहेगा कि यू नो ऐसा ऐसा सीन है। खोल दो उसको। हाँ खोल दो। हेलो, मैं गिर गया नीचे। हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ गया तू? टनल के अंदर हूँ मैं। कहाँ है तू? टनल के अंदर, लोकेशन भेज रहा हूँ। टनल के अंदर? हाँ भाई काला चल। जो बैंक के नीचे टनल जाती है ना उधर गया मैं। आज नहीं करोगे ठीक है, वैसे भी हमने छोड़ दिया उसे। अच्छा भाई क्या करूँ। हेलो, जीपीएस भेजा क्या मेरे को? हाँ भेजा, पर वो टनल में आना चाहिए। अरे उस देख आजू बाजू यू नो एक ये सबवे स्टेशन होगा तो, पर संभाल कर आना क्योंकि ट्रेन में आके। अरे हम लोगों ने ठुल्लो को बोल दिया मैसेज से, उसको बोल पिंकेज बंद नहीं हुआ है। मैसेज पे बोला, मैसेज पे पुलिस स्टेशन में ठुल्ले नहीं है अभी। एक सेकंड रुक जाओ, बस लड़ी चलो मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा हूँ। इताची आ जा गाड़ी में बैठ। हेलो,
अरे हॉस्टेज आप, हाँ। आपका भी जादू हुआ क्या? नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाना लेने गया था। अभी ये लो ये लो ये लो। अरे मिल गया मिल गया, मैं खरीद गया। अच्छा मैं जादू होके मैं टनल के अंदर पहुंच गया। अरे 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 आपको कहीं छोड़ना है? हाँ मेरे को गाड़ी चाहिए बट मैं गन रखता नहीं। मैं देता हूँ, टेंशन टेंशन मैं देता हूँ देता हूँ। वाह भाई लोकल को डर नहीं। हेलो 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 बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हो रही है क्या रॉबरी? ना भाई तो वो एक कर दो ना, कैंसिल कर दो आज के लिए प्लान। कर दिया अभी। कहाँ है रे तू? जीपीएस भेजा मेरे को। हाँ तो एक काम करो इधर आ जाओ, इधर सीन है हम लोग का। कहाँ पे? कोक सेलिंग। चाबी ले लो उसका। पुलिस के दोस्त बता नहीं। ऑफिसर आने वाला, ऑफिसर पहुंचने पकड़ा, ऑफिसर बोल रहा है। ऑफिसर वाली गाड़ी ले लो। ठीक है ठीक है। कि यू नो क्या बोलते हैं, नो वरीज नो वरीज, कि ओशन ओशन भाई एंड ये घूम रहे हैं बिना यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं एंड ऑल दैट शिट। बिना यूनिफॉर्म के? हां भाई अंडरकवर से। क्या बोला था रे उसने सैम? हां अंडरकवर घूम रहे बेसिकली। हां भाई समझ रहा है। वाह भाई उसको पूछा भी था क्या क्या पहने पर उसको उसका कुछ आइडिया नहीं है। आप पता वो लोग ही होंगे भाई। ठंडा लो ठंडा लो। फुकट में हम लोगों को यही तो नहीं करना सीन। अभी वो अचानक आ गए ये दो बंदे, दो गाड़ी लेके सेम कलर की। कौन सी? डोमिनेटर लाल कलर की। ओके हमें तो लगा कि भाई दूसरे कुछ है उनका दूसरे। पुलिस अभी अंडरकवर घूम रही है कि क्या घूम रही है मेरे को पता नहीं भाई, पर इन्फो तो मिली है कि ओशन अंडरकवर घूम रहा है। अरे कहाँ है रे? हेलो फोरमा 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 भाई ट्रेन मिल गया क्या? डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के? हाँ यहाँ से एक बंदे ने ब्लैक मार्केट में टिकट भेज दिया मुझे, तो सका ये टिकट ले ले। वाह भाई ब्लैक में टिकट भेजा। हाँ भाई भाई कोई टिकट कलेक्टर लगी पड़ी है बैंक बैंक के बाहर। कैसे फोन आ रहा है? हेलो हेलो रेडियो। अरे ये लिंकन बोल रहा था कुछ सीन हो रहा है भाई वीड सेलिंग पे। बोल रहा है एक बंदा है दोस्त मेरा, हाँ उसको भगाया वहाँ से। वीड सेलिंग नहीं सॉरी, वीड उठाने के जगह से। हाँ ये तो इसका ही था ना, इताची का था ना, इताची के दोस्त को। लिंकन का दोस्त था शायद। इताची का दोस्त कौन? कौन है? I met your friend Mr. Lincoln Burrows. Seems like a very nice chap. Yeah. Oh yeah, he's a good guy, man. What's up? Nothing much. He was just giving me the full down low of the gangs. By the way, tell me, you never told me you were in a fucking gang, brother. I'm not. He just said, oh, Michael's also part of our gang. Purple. No, bro. Telly I'm not Brown a, went too. I'm not a... No, bro. What? That's all crap. Bro, come on. Bro, if I actually find out, I'll hit you with my pipe wrench, bro. You I can, swear bro. To God. You think I'm gonna lie to you? I mean, see, then I mean that's true. You would never lie to me, but then again, you know, a gangster would never reveal his true identity because you know over phone that too, because you know the police and the IAA might be talking our best friends. I know, bro. That's the thing. I'm not into gang shit and all, man. I just chill, enjoy my life as a mechanic. That's about it, man. Mm-hmm. Okay. By the way, are you free right now or you're busy doing I'm free. If you're free, you want to meet up for a quick chat at the mechanic shop? Sure, I'll be there. Cool, come on. Hello guys, kidhar ho? आ रहे फोरम पे गार्बेज नियर बास्केटबॉल कोर्ट। रुक मैं आया, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाबू
कौन कौन है यहाँ पे जल्दी बताओ। किस पे गोली चला रहा? अपने बंदे पे गोली चला रहा है ये। अबे अबे यहाँ से मत मार, लक्की लग जाएगी। हेलो यहाँ पे कौन कौन है पता नहीं भाई। ये बंदे इनफो दे रहे कि कोक सेलिंग पे शायद ऑफिसर है। अबे सुन 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 मुझे। अच्छा ये कौन है हेलमेट पे? हो गया पे मेरा फ्यूचर। अच्छा और वो मंकी और ये रेस भाई। अबे तो पहले मुझे बता, इम्पोर्टेंट है ये कौन है? अरे सब जगह पता है उसको। अबे तू पहले मेरी बात सुन। ओए ठीक है मैं बात करता हूँ, इधर आजा। बोल बोल तू पहले। वो जो लिंकन है ना भाई, एक और आ गया। अबे तो अबे उसको संभाल ले भाई यार। हाँ ओए बाबू बोल बोल तुम्हारी बात सुन। पहले तो जाके लिंकन से बात कर। उनको उसको सीधा बोल कि हमारा कुछ गैंग वैंग नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे अभी किट का फोन आया जो मैकेनिक है, उसने कहा कि यू आर पार्ट ऑफ पर्पल गैंग। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? हाँ लिंकन टोल मी। मैंने कहा तो उसको बोल भाई, उसको बोल मत। लिंकन खड़ा था अभी, इधर खड़ा था अपना, इन लोग इधर जाके बात कर लिया उससे। मैं किट से मिलने जा रहा हूँ, उससे मुझे बुलाया मिलने, सस्पिशियस नहीं हो रहा इसलिए। चलता जी मुझे मैकेनिक तो छोड़ देगा। इताची कहाँ पर है तू? तू किधर जा रहा है? मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है बाबू किधर है? अरे आ रहा हूँ पहले। ठीक है ठीक है ओके चल मैं आता हूँ 5-6 मिनट में। कहाँ फॉरेन आ रहे थे? मैं अभी मैकेनिक शॉप जा रहा हूँ उससे मिलने। क्या तेरे साथ सो जाओ क्या? What the hell? What the hell? What yo? It's a good view, okay? Beautiful. I agree. Sky. I mean, it's a beautiful sky and all that, you know. You didn't see the bloody crane from up there. That place where people do those stupid death jumps and die and shit. Who are these people, man? Like, you're as fuck. I mean, I don't know. I think PDM guys, but then again, I could be wrong. Like, eh, you know, people do what they do. How you doing, bruh? It's been a long time. Yes, I'm doing good. Just super hectic, bro. Just, you know. Oh, shit, yeah. Sorry about that. It's like, you know, I'm so stressed out, bro, because of I've been training these 10 guys. No, and is there a customer down below? No, it's just some random person. But, yeah, bro, like, I'm not even kidding. Taking like the 10 trainees, bro. Do you know one of them got into a fight with the cops in the Twitter? On duty? I mean, on Twitter, what? Yeah, so apparently, one of my students, Rani, okay, she did the right job, towed a car. Jara, inka close up le lena, ye jo lal pen hai na. This fucking some cop named Kai Bigelow, some shit, went and made a scene, had to send a mail to the CEO. And I feel bad because, you know, one of my students fucked up. How definitely the trainer feel? Of course. Yeah, I feel like, and see, you know what's the worst part? I'm the youngest fucking person in the mechanic department, 20 years old, and all these students of mine are older than me. I think the oldest is Shah Rukh because he looks like a boomer. I think he's married also to Hebba or Reem or whatever. What? He's married? I don't know, but I see pictures of him and Reem together, that doctor, you know, with pink hair. Oh, damn. Bro, that guy owns a fucking mansion and some million cars or something. Why the fuck does he want to be a mechanic then? I don't fucking know, bro. He thinks there might be some scope here for him, but I doubt it. Because see, I heard like stuff from people like he apparently does a lot of bank robberies and shit. What? Yeah, dude, the interns, they talk a lot, dude. They're not smart, they're stupid as fuck. They tell me like, dude, like kid you not, Thinker is like, he was telling me fully about Los MC and all that shit. As in, what about them? I mean, Thinker is going to join the Los MC, it seems. I think Thinker is Los MC. That's what people are considering.
I mean, who's lost MC? I mean, the law. Bro, I know who they are, but like, who's the leader of that? I don't know. So William, have you heard of the name William Gray? It does strike a bell in my head, but not like 100% sure who he is. Okay, I'll tell you how it strikes a bell in your. See, I met him in my first week in the city. He's a nice guy, nice chap. Okay. Man. You know, seems like a one community kind of guy. Okay. Very, very friendly. But I'll tell you where it strikes a bell for you. You remember our mechanic roster? Yeah. You remember there was one veteran mechanic before Charlie became veteran? Oh, yeah. Yeah, yes, I get it. Yep. That makes sense. Yeah, and I have a feeling he might be reinstated and might, you know, he might handle operations for Los MC's Los Santos Customs. That makes sense, but okay then. I mean, if I want to repair that, I'll have to get in touch with him, I guess. Yeah, of course. Like, he is the owner of the Los MC Club in, you know. See, I've done some reading on Los MC also, bro. Apparently, they are a very, very well-known biker gang operating all over America. Okay. Their main operation is Liberty City, but apparently, they are also in San Andreas. Oh, damn, like, okay. The San Andreas state, yeah. William Gray. And there's even Totla, Chota Chatri, Koka Singh. Oh, okay. They all are from Los MC? Yeah, bro. Like, Totla only told me all this shit, bro. Totla's, like, very close to me. He just told me all the shit. Because I once tuned his car and told him about how good it can get in the roads and shit. I think that time he had like a Schlagen GT before the government vehicle seizure, no? That they did for every citizen, including... Oh, yeah, I remember. Man, don't remind me, man. That Yamaha R1, those memories. Bro, think about my case. I didn't do a single... I don't have a criminal record, not even a ticket for speeding, and they took my fucking car and bike. I know, man. I don't know, man. The government once told me also that this is becoming an overcrowded city and all, so we have to... That's the only option we have. I kept arguing, but I mean, whatever. It's the government's decision, finally. Yeah, man. We can't do much about it. Feels damn bad, man. Yeah, feels fucking bad. But yeah, no. So I spoke to your friend Lincoln. He was telling me about the... He was actually giving me full insight about Vargo's gang. See, I knew about the Vargo's, okay? I first thought it was a company, but I kind of suspected, you know, it's like front-runner company, back-end, doing criminal shit with Circuit Heavy and Peter. Okay. And then I learned about the Lost MC. Now I'm learning about the Purple Gang. Apparently, they have like some three different names. Cali Cartel, Nikolai, or something called Ballers or some shit. I don't know. I did some reading up online. You know, this city has a huge history. You know, city of Los Santos. Did you know, apparently in 1999, there was some big-ass riot here over some cop named Tenpenny? Really? Yeah, apparently that cop... What did that cop do? So a cop was apparently accused for murdering his own fellow cop or some shit. And he kind of didn't... Yeah, there's a legit, I'm not even kidding. You can fucking Google this shit, okay? I think it was 99 or 98. This officer, Tenpenny, he killed like one of his other officers, got into like some crazy corruption. He was kind of like investigated by Interpol. They took him to court and then the court overruled. Basically, nothing happened. His case was like, you know, corruption case or whatever. And the whole people of Los Santos started rioting. People were breaking shit left, right, center. Next thing they know, apparently they found his body near Grove Street next to a fire truck, all dead. Whoa. That's harsh. See, and that is the history of the city, and you know, the city is already like this in a way, if you think about it. Oh, damn. Is that Lincoln Burrows a part of that gang or whatever? Yeah, he's part of that Purple Gang or something. He calls himself Cali Cartel or Nikolai. I don't know what's the final name, though. And he did say that, you know, Nelly's a part of it. He even mentioned you're a part of it. I'm asked sure, him. So the thing is that, I mean, me and Nelly roam together and we want to stay as far away as we can from all this gang shit, man. I don't want to be a part of it. There might be some of my friends in some of the other gangs in the city. Some in Vargo, some in... I don't know if it was called Purple Gang until now. So Purple Gang apparently, and then some in Lost MC. But I don't want to be a part of it where... I have to be like gang and all, man. I don't want to be a mechanic, chill, enjoy a chill life. Don't want anything hectic. Of course, also clean banks and clean houses and shit. Yeah. Yep, I mean, I would earn money by doing that. So yeah, like they pay a lot. They pay like around $20,000. Yeah, I heard. So it's quite a lot in that aspect, yeah, I'm surely going to clean and all. Because it does help, man. It makes the place spick and span, shining bright. So yep. Mm-hmm. And then sometimes, but just make sure you don't trip on the security system and alert the cops and get caught. That's the cops. Yep.
cops in the city are kind of like, you know, they shoot first, ask questions later. Yeah, but I don't know, one guy came to me, he's like, go clean this bank, your payment is, I've kept a payment inside the bank as well. I'm like, okay, cool. I took it and the cops just came and they're like, you just pressed the alarm out there, you're robbing a bank. I'm like, no, what the hell? And they put me in prison. So, I don't know, I did my time, came back, and just realized that, okay, if I put the alarm also, then the cops just get a little too angry. Such is life, brother. Yeah, man. Cops. Tell me more about what these guys told you. This gang thing is very interesting. I mean, see, they said some big gang meeting or some shit is gonna go down soon to decide like who gets what spot in the city, right? I even learnt about some coke strip. I remember, wait, who was the guy? Wait, people are gonna own areas in the city? Oh yeah, there's turfs and shit, bro. Oh damn, I gotta be safe then. Oh yeah, of course. See, the reason why I'm just worried, no? Because see, I know almost everyone in the city. I mean, by just talking to them, I can kind of figure out like which gang or who are they affiliated with, all that blah blah, you know. And see, the thing is, when I'm repairing someone's car inside mechanic shop, I don't want some, you know, some, let's say for example, I'm repairing, you know, Sir Kit's car or Mr. Peter's car, okay, they're affiliated with Margos. Correct. I don't want someone from Los MC coming with a bike and just blasting them while I repair their cars. That's kind of fucked up, you know. Absolutely. Like, I just see, like, they can kill each other if they want outside the mechanic shop, but not inside. In the workplace, man, of course. In the workplace, because the cops come, they'll ask us questions and all that. Like, for example, for the first time, I never thought the cops would actually take speeding tickets seriously, but a cop did pull me over for speeding and crossing a red light. You're such a liar. I am not even fucking. You just told me that you have no criminal record ordered for speeding, and now you're saying a cop got you a speeding ticket. Bro, he didn't give me a ticket. He caught me for speeding. He didn't give me a ticket. Okay, fair. He just let me off with a warning. Like, he asked me for my license, then he asked me for my, you know, my truck's registration papers, but I didn't have it in the truck. It was at home. Fair enough. And then after that, he's like, you know what? We just checked. There's nothing wrong with it, so you can go. We let you off with a warning. And I'm like, okay. But you know what was the surprising thing? One SUV, three cops, bro. What? Three cops for speeding? Yeah. And here's the thing. Two of them were so intimidating. One DCSO guy was very nice and he was very kind to me. But the LSPD boys, holy shit. I mean, I think there are only two officers in the city I really like. I mean, I like every officer, but two of them are pretty friendly. So if I just meet them, I don't meet other people. One of them has to be Ocean. Not really. I don't interact with Ocean much, to be honest, because since he's the deputy commissioner, or he's pretty occupied. There's an officer from the BCSO called, what's his name? Dave Shergill. Dave Shergill. He's a pretty nice chap. I think I repaired his car once. Yeah, I think he got the Leo of the Month last month or something like that. I don't know. Oh, shit. Crazy. So he's a pretty cool cop. And then there's Officer Ismailov, who, I mean, when he's on duty, he's very like, he doesn't talk properly and all that, but when he's off duty, he's a really chill guy, man. I think I've heard that name before. The cops keep talking about him. Like, I've heard that name pass. Ismail, no? Ismail, love, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I heard the name in passing. I never met that guy. He's a pretty cool guy, man. I don't know. I think the time when I told him about the jail story that happened, I think he was the guy who processed me into a prison. He gave me a good time that time. He even gave me like a couple of sandwiches and told me, be healthy in prison, don't just cause a nuisance out there. Damn, man. Shit, that's actually pretty good. What the fuck is that? Is that the police? In the air out there? Police? Wait, airborne, man. Yeah. I hear a helicopter. Behind me. There. Behind you. Up here. Oh, yeah. What is a cop doing there? Or it could be a local, one of those patrol choppers, no? It's possible. Or is he actually, can he hear us? No, I don't know. Yeah, the he's chopper too high. Is smoke. The chopper is also smoking, but it's not good. I'm pretty sure it's a local, man. Oh, I hope that doesn't crash into Forum Drive. I feel like it. Oh, what? Okay. Oh shit, oh fuck. Damn. This is not good. I can see the rotor smoke and this is bad actually. I have a feeling it will crash soon. Yeah, there's nothing much. I mean, it's almost like an every other Tuesday for me. I've been hanging out so much in the mechanic shop. Bro, like, I kid you not. I think this was like last week. Three helicopters crashed, like one on the left, one on the right, one in that palm trees right, you know, across the mechanic shop.
three helicopters. Whoa, helicopters. Damn. Yeah, I think I took a picture and posted on one on Twitter also. It was just lying there. This place is expensive, that means. Bro, I even legit ask people on Twitter, is Forum Drive a helipad now? Oh shit. So tell me one thing. Yeah, what's up? Who do you think I should be close to actually be safe, since you said people might just come in the mechanic shop and cause a nuisance? I don't want them on me, see, man. I want to be away, brother, from it. See, brother, I'm going to just give them one simple rule. No bloodshed inside the, you know, inside the mechanic shop. Otherwise, me and my good friend here, I call him Mr. Pipey. I'll just, you know, Pipey will just say hi to them. And Pipey has a very interesting way of greeting people. You know? Oh, really? Who is this Pipey? Have I met him? The Pipey. Yeah, he's right here in my hand. Say hi, Pipey. Oh. Yeah. I don't know, I found this pipe wrench in the scuba diving. I was surprised at it. Do you still have what I gave you that day? Which one? The pistol? Oh, yeah. Dude, government seizure. They took everything. They took the pistol away? What the hell? Bro, they took everything, bro. I'm gonna buy one and get one more. Yeah, I'm just gonna hold on to what the shit I have. Because see, nobody would want to kill. Like, see, I'm a little kid. What do you have right now on you? I mean, I just have like a taser, hammer. I don't have a hammer, sorry. I have like my lockpicks, my stun gun, one radio, umbrella. I don't know why I have an umbrella, but something tells me I'll need it for a rainy day. Whoa. Yeah. Oh, by the way, I'm planning to just have a quick taco. Do you want one? It's pretty yummy. Oh, sure. Yep. Oh, yeah, yep. Tacos, bro. Bro, tacos like nom 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 nom. So fucking good. Holy shit. Only if I could get one. Bro, these tacos are not spicy, no? No, man. I sometimes have a stomach issue, so I try to avoid spice. Oh, thank God. It's just because I'm a guy from Vice City, white boys, we can't handle the spice, so... Damn. It's like moment we take like a bit of the spice, we lose our minds. Damn. I actually tried having, apparently some Indian food called chicken biryani. Yup, I love the masala in that, you know. Like the masala from time to time is great, but not every time, you know. Like here's the thing, so it's extremely masala. Spicy. I can't handle the spice, but the spice is so good, I can't stop eating, you know. The spice is so good, but it's also like deadly. So it made me go mad and, you know, happy at the same time. It's kind Damn. Of a weird combination. I would like to enjoy some spice right now, man. I might just get some soon. Oh yeah, reminds me that I'm actually feeling very hungry. Fuck. Let's see if any delivery shops are open nearby. RIP. No delivery shops. Big F's. They don't deliver to the mechanic shop. Fuck my life. It's okay. I'll go back home. I'll check this kitchen. I might have some snacks or something. Yeah, right. I'm just trying to figure out who should I contact for my safety, man. I'm getting worried, man, since you said people own turfs and all that. Am I mistaken if I step into someone's turf? I mean, see, the turfs thing, Mr. Lincoln actually mentioned it was more like the illegal spots, like the coke strip, some chop shop. And where the hell? Like chop shop I know about. Chop shop is the only thing I know about. And also I think if you remember, Nelly mentioned in the meeting yesterday, apparently Los MC owns the chop shop or something. They do? He did briefly mention no. He said no. What up, Gagan? But Lost MC guys told me to fuck off. No, he didn't say Lost MC guys. I'm not sure. I think he said. Did he? I don't know. Actually, I don't know. He did say some Lost something. I don't know if it was MC or not, because he did say something Lost. So I was like, yikes, dog. Oh, I don't know. I actually don't know. I hopefully will stay away from them, man. That's scary. But you know my ideology. Be friends with all, they'll leave you alone. Yeah, but. And also, do you think it'll look good for the gangs if they find out a kid's been murdered somewhere in the block? Like, I'm 20 years old, bro. If I'm found dead by that gasoline thing, don't you think cops will like launch on full-ass investigation? Fucking teenager murdered in Grove Street or Southside. Ideally, they would, but I mean, there's a lot of activities that happened here. So I hope the police care about our safety, man. That's the issue. Like, I mean, I can't be friends with everyone like you do, man. Like, that's a hard thing for me. How come? Why though? I don't know, man. Because everyone's not like you, you know? Everyone's not like the friends I have. Some people just don't talk to me properly. So they just, from day to day, slowly, just like, start avoiding me, start hating me. And I'm fine with that, as long as I don't need to talk to them and also. But I know that everybody in Los Santos will not be my friend for sure. So,
hey brother, don't worry about it. See, in reality, you don't need a lot of friends. You know, you just need one sec. Yeah, so see, in reality, you don't need a lot of friends. Hey, you motherfucker, what the fuck? You're fucking 20, stop smoking, bro. Hey, you brother, I... Brother from another mother. Listen, okay, I fucking trained 10 apes. Okay, they're not apes, they're actually good people, but they don't even understand English half the time. That's why I'm talking like a fucking idiot. Doesn't matter, bro, you're not smoking in front of me, you're 20. Okay, but I do need a joint, though, because... What the fuck? Oh my god. Brother, please, chill, okay? You just chill, calm down. I know you're out looking out for me, but don't worry, just chill. Oh my god. Chill, don't worry, bro. Don't worry, you know, everything is gonna be okay. See, I go for daily checkups and all that shit, so I'm good. Like, I'm actually friends with almost everyone. I don't know if anybody in the city has a problem. I hope nobody does. I mean, I don't think anyone's a problem with you, man. That's a good thing, it's a good thing. Yeah. I know people have problems with me, so I'm gonna be out of it. Oh yeah, but do you know the story of how I became a mechanic trainer? How? So, boss man, Logan comes up to me. He's like, yo kid. I'm like, what's up boss? He's like, kid, you want to be a mechanic? I'm like, what? He's like, okay, you're a mechanic now. You're a trainer now. I'm like, what? So I was like, basically I was kind of like peer pressured into it, but I kind of saw it as a new experience too. I wonder how that happened. Hey. Don't look at me, bro. I saw it as an opportunity to learn. Never expected it to be this stressful. Just saying, you're welcome. Yeah, I'm surprised you're not a trainer, bro. Like, is it because you took a break from the mechanic department? I'm pretty sure, man. I don't want to be a trainer, man. Imagine taking care of 10 new people. Oh, yeah, I'd rather just... I'm getting older and older day by day. I'd rather relax, fix a few cars, earn a little money, eat some tacos and pass out. Yeah, that's the life. That is actually the best life.